माला का माल पीकर माला को ही खोटा माल टिकाता है। चल रख रख रोकड़ा। हाँ ये ले। अरे चल फूट यहाँ से। अजी अर्ज किया है मुझे न छेड़ो यारो, मैं नशे में हूँ। शीशे में मैं नशा। अबे ओ शायर की औलाद, खाली पीली धंधे का वटोला मत कर। ये माला का अड्डा है, कोई मुशायरा नहीं, समझ ला का। चुपचाप नौटंग मार और फूट जा यहाँ से। अरे भैया को मौसमी दिया कि नहीं? अबे ओ बेवड़ा, खाया पिया और खिसका बाप का माल समझता है क्या? निकाल 3 रुपया, निकाल नहीं तो सब उतार दूंगी। अरे अरे वो माला, ये मौसम्बी की दारू है कि निरा पानी? अरे ससुरी में कुछ दमी नहीं, दारू में पानी मिलाओ था का? देखो भैया, अगर हम दारू में पानी मिलात है तो क्या हुआ? तुम दूध में पानी मिलाकर अखी बम्बई को पिलात है, वो कुछ नहीं है। देखो ये माला का अड्डा है, यहाँ ग्राहक की सूरत देखकर दारू मिलती है। हाँ समझ लो माला। अरे बुम्मत मारना। ये लो एक और फांदे बजा गया। राम शंकर दादा 2 बोतल पानी नहीं मौसमी लो। अभी बैठा नहीं कि बमा बम चालू। देखो इधर जास्ती लफड़ा नहीं मांगता अपन को। ए छोकरा, एक मौसमी देना इस हीरो को। माला काहे रे? छोकरे के हाथ से तो रोज ही पीता हूँ, आज अपने हाथ से पिला देना। माँ कसम, तू पानी को भी छू लेना तो दारू बन जाए पहली धार की। चुप्पे, लगता है आज तेरी टिकट नहीं बिकी इसलिए पिक्चर भी खुद ही देख डाली और यहाँ आकर पिक्चर के डायलॉग मारता है साला। ए माला, मेरी बात तेरे भेजे में आने वाली नहीं है। तू ठहरी दारू वाली और हम ठहरे दिल वाले। हाथ बाहर, समझती हूँ तेरे को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। निकाल 10 रुपये बाटली का। ए, किस बात के 10 रुपए? बाटली बाकियों को 5 में और मुझे 10 में। अरे तू भी तो 2 रुपये के टिकट 4 रुपये में बेचता है। ये माला का अड्डा है, यहाँ ग्राहक की सूरत देख के दारू मिलती है। ए, मेरे मास्टर की सूरत मुझे कैसे लगी थे? चुप्पे चमचे, नहीं तो टकले पर बाटली फोड़ दूंगी। जाने दो माला, तुम्हारा होने वाला देवर है, ऐसे मस्करी कर रहा था बेटा। नमस्ते भाभी जी। अरे मेरा देवर है तो तेरे साथ क्या कर रहा है? आता मेरे दुल्हे के साथ। जास्ते बकबक मत करना, जाके बैठ के दारू पी। मस्ते, आज तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। चुप है, जब देखो बकबक बकबक करता रहता। छोकरे दारूला फटाफट अंग्रेजी। देखा मुंशी जी अपना वट कितना चलता है इधर? देखा साले का, जैसे ये आंडो उसका बाप का है। ए छोकरे, एक 555 का पैकेट लेके आ। हम तो माल यही उड़ाते रहते हैं। अरे फिक्र क्यों करते हो, ये खत्म हो जाए तो और ले लेना, मगर अपना काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, पहले ये अंग्रेजी दारू तो पिलो, न ठोको। क्यों रे, तू यहाँ क्या करने आया है? सिगरेट सुलगाने झगड़ा करने आया है और नहीं तो क्या गले मिलने आया हूँ? अबे जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो, कुछ तो शर्म कर। 2 टके के मुंशी के साथ कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिर रहे हो। अच्छा, तो कुत्ते के साथ बिल्ले भी आए हैं। बहुत जुबान चल रही है तेरी आज। जबान ही नहीं दगड़ो, हाथ भी चलेगा। ए ये रारा बाहर जाकर कर, इधर अपन को लफड़ा नहीं मांगता, समझ ला इसका। चिंता नको माला, मैंने ऐसे 20 लफाड़िये सीधे किए हैं। क्या कर रहे हो? बाहर जाके मारो। अरे तेरे बाप का है क्या? जा। नहीं हो गया। तोड़ते जाओ। अरे भाई को मारो, भाई को मारो, भाई भाग यहाँ से। घड़ी टूटी, कांटे रह गए। अरे बाप रे, माला का अड्डा खत्म। डॉक्टर सक्सेना के पास गए थे? गया था सर। क्या रिपोर्ट मिली? सर मैंने आपका नमक खाया है, जुबान नहीं खुलती। डॉक्टर का कहना यह है कि भाभी जी को बच्चा होना बहुत मुश्किल है। सर अब आप विलायत जा ही रहे हैं तो भाभी जी को भी साथ ले जाइए, वहाँ बड़े काबिल डॉक्टर हैं, उनका जरूर कुछ ना कुछ इलाज हो जाएगा सर। नहीं लक्ष्मीदास, ये सब दिल बहलाने की बातें हैं। किस्मत ने मुझे धन दौलत इज्जत सब कुछ दिया, नहीं दिया तो एक बेटा जिसे मैं सब कुछ दे सकूं। सर आप किसी और का बच्चा गोद क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं दूसरों के घर की चिराग से अपने घर को रोशन करना नहीं चाहता। सर ये डॉक्टर लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल कहता है भाभी श्रद्धा और प्रार्थना बेकार नहीं जा सकती। हे भगवान, मैं भी देखती हूँ मुझे कब तक खाली हाथ लौटना पड़ेगा। शर्म नहीं आती ऐसा करते? दुनिया में किसी का अधिकार नहीं इस तरह जान देने का, समझे? लेकिन समाज ने यह अधिकार एक दिन भी आई माँ को दिया है। तो क्या तुम इसलिए? कितनी अजीब बात है कि तुम इस मंदिर में आई हो कि माँ बनने वाली हो, और मैं इसलिए कि मैं माँ नहीं बन पाई। फर्क सिर्फ इतना है, जो आपके लिए पुण्य है वो मेरे लिए पाप है। जरा सोचो, तुम्हारा होने वाला बच्चा किसी के प्यार की अमानत है। वो प्यार छूटा था, वो मुझे छोड़कर भाग गया है, तो इसमें तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या दोष है? ये आप आज कह रही हैं, कल दुनिया के साथ आप भी इस पर इल्जाम धरेंगी। कौन देगा इसे अपना नाम, अपना घर? कौन स्वीकार करेगा इसे? आज दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बात रहने दीजिए। आप कह रही थी ना आप माँ नहीं बनी, आप मेरे बच्चे की माँ बनेंगी। मुंह मीठा नहीं करेंगे। क्यों? मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? लेकिन डॉक्टर ने तो... भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी कसम, मेरी कसम। आज मैं कितना खुश हूँ। आज मैं कितना खुश हूँ सीता। मैं भी कितनी खुश हूँ। कितना अच्छा होता तुम भी हमारे साथ चलती। लक्ष्मीदास हमारे साथ जा रहा है और शंकर भी हॉस्टल जा चुका है। अब तुम साल भर घर में अकेली रह के क्या करोगी? मैं ऐसी हालत में कैसे जा सकती? जितनी देखभाल मैं अपने यहाँ कर सकूंगी वहाँ नहीं कर पाऊंगी। सीता देवी, अगर आप कहें तो मैं अपनी बहन को आपकी सेवा के लिए क्या जाऊँ? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। टाइम आ गया है, वो अगले हफ्ते आ रहे हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरे बेटे का बहन, ये रात तुम जानती हो और मैं अपनी सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ कि ये रात कभी किसी पर नहीं खोलूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ देखा हंस रहा है। हाँ पहलवान किसका बेटा है? मेरा बेटा है, मम्मी का बेटा। देखते देख इसके होंठ बिल्कुल तो जैसे हैं और आंखें मुझ जैसी। बिल्कुल नहीं भैया, ना इसके होंठ भाभी जैसे ना आंखें आप जैसी। नहीं पगले, अभी छोटा है ना इसलिए तुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। जरा से बड़ा होने दे फिर देखना, ये बिल्कुल तुझ जैसा बदमाश निकला। अरे देखो अभी से शैतानी शुरू कर दी। आ बेटा। अच्छा बेटे ये बता, आज भगवान के सामने कौन सा प्रसाद चढ़ाया है? गाजर का हलवा। सीता देवी, मैं सोनिया बोल रही हूँ। वो वापस आ गया है। कौन वापस आ गया है? उस बच्चे का बाप। मेरी जिंदगी तो उसने बर्बाद कर ही दी है, अब बच्चे की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता है। उसे किसी तरह हमारा राज मालूम हो गया है, अब वो चुप रहने की कीमत मांग रहा है। हेलो हेलो, मुझे उसकी खामोशी हर कीमत पर खरीदनी है। कितना रुपए चाहिए उसे? क्या आपकी सती सावित्री पत्नी सीता देवी आपसे 10,000 रुपया लेकर आपकी दौलत और अपने आप को किसी और पर निछावर करने गई है? क्या बकते हो? अगर यकीन ना हो तो खुद जाकर देख लो। पता है होटल नटराज। आप ही हैं? जी हाँ, आइए तशरीफ रखिए। ठहरिए, अभी इसकी कोई जल्दी नहीं, मैं चेंज करके आता हूँ। जी वो आ गया है। वो देख रहा है क्या? हाँ वो हमारी तरफ ही देख रहा है। माफ कीजिएगा, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। ये लीजिए, ये पूरे 10,000 रुपए है। इतनी भी क्या जल्दी थी? आपसे विनती है, ये राज किसी पर खुलना नहीं चाहिए। घबराइए नहीं, ये राज जितना खुलना चाहिए था उतना ही खुला। बेटा आप यहाँ? आप तो ऑफिस गए थे ना? क्यों, मुझे देख के हैरान हो गए? कहाँ गई थी? जी मैं शॉपिंग करने गई थी। ओ, मैं तो भूल ही गया था। बहुत देर लगा दी तुमने। जी। कहीं और भी गई थी? जी नहीं। आप बहुत परेशान से लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? तुम जैसी नीच और झूठी औरत के छूने से कोई भी इंसान गंदा हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। मैंने तुम्हें क्या समझा था, अब तुम क्या निकली? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए आप मुझे ये सजा? क्या गैर मर्दों से छुप छुप के मिलना पाप नहीं? क्या पति की दौलत में आशिकों को पालना पाप नहीं? क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? बोलो। कोई जवाब नहीं। इन आंखों ने जो देखा है उसको तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। निकल जाओ घर से, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन ये तो बताइए, इस घर से निकलकर मैं कहाँ जाऊँ? आपके सिवा मेरा है कौन? जहाँ से हो आई हो वहाँ तो जा सकती हो। कहते हैं शादी के बाद औरत डोली पे अपने पति के घर आती है और जब जाती है तो सिर्फ अर्थी पर। तो फिर इस घर से तुम्हारी अकल ही निकलेगी। क्यों अचानक जिंदगी से इतना प्यार? नहीं, आपसे मैं नहीं चाहती मेरे मौत का इल्जाम आप पर आए। मैं तो उसी वक्त मर गई जब आपके नजरों से गिरी। इस घर से मैं अर्थी पर तो नहीं, एक जिंदा लाश बनकर जा रही हूँ। शंकर इधर आओ। छोड़ दे मुझे, जाने दे। नहीं भाभी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भैया भाभी को रोक लिया प्लीज। सुना नहीं तुमने? मैं कहता हूँ इधर आओ। अगर तुम्हें जरा भी शर्म बाकी है तो डूब मत। चलो तुम ऊपर आओ। मैं नहीं जाऊंगा। चलो भाभी, चलो भाभी, भाभी तुम कहीं नहीं जाना। भाभी 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 तुम ना शायद भाभी साहब मोहताज साहब, आप कहें तो सितारे पर गाड़ी चढ़ा दूं? नहीं नहीं ब्रदर, नहीं लाओ। देखते नहीं हुआ तो आदमी बैठ के नमाज पढ़ रहा है, और ऐसे जो मरने के लिए जा रहा हो उसे मारने से क्या फायदा। लाख रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं माना। वो दरिया में कूद गई। काश मुझे तैरना आता। अब यही उनकी आखिरी निशानी रह गई। सर न मालूम मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है। सर इस मासूम के लिए सोचिए, इसे न जाने किसके कर्मों की सजा मिल रही है। यही तो मैं सोच रहा हूँ लक्ष्मीदास, कि इस बेचारे का क्या होगा। सर मैंने आपका नमक खाया है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। सर डॉक्टर साहब, वो औरत कैसा है? गुल खान, तुमने एक नहीं दो जाने बचाई है। वो औरत माँ बनने वाली है। माँ? या खुदा, वो इसी वास्ते तो नहीं? नहीं, वो तो ये जानती भी नहीं थी। जब उसे पता चला तो उसने खिड़की से कूदने की कोशिश की। कौन है, कहाँ से आई है, कुछ बताती भी नहीं। डॉक्टर साहब, ये अखबार हम वो औरत को मिल सकता है? खुदकुशी करना जुर्म है, पाप है। लेकिन वो क्या करे जिसका जीना जुर्म हो जाए, जिंदगी पाप हो जाए। आखिर ऐसा कौन सका मैं तुमको? मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ मरना चाहती हूँ। मरना मांगता है कि खिड़की में से कूद जाओ, मगर कूदने से पहले ये नहीं। क्या हुआ? जब तुमको अपना परवाह नहीं है, अपना होने वाले बच्चे का परवाह नहीं है, तो इस बात का क्या परवाह है? गुल खान सारा जिंदगी बैसाखी लेकर चलेगा। बहन, अगर एक भाई की कुर्बानी का तेरे दिल में थोड़ा भी दर्द है, तेरे को जिंदा लेना पड़ेगा। अगर अपना वास्ते नहीं तो वो मासूम औलाद का वास्ते जिंदा रहना पड़ेगा। आप कौन है? आपके बच्चे की नहीं आया जी सर, ये मेरी मौसी की बेटी सोनिया है। जैसे इसने मुन्ना के बारे में सुना तो मुझसे कहने लगी प्लीज एक दफा मुझे बच्चे के पास ले चलिए। आखिर औरत का दिल है। सर मैंने आपका नमक खाया, मुझसे रहा नहीं गया, मैं इसे ले आया। देखिए सोनिया गोद में जाती है, बच्चा किसी चुपचाप हो गया है। आप दोनों नीचे जाइए, मैं मुन्ने को सुला के आती हूँ। अच्छा आइए सर, आइए। छोटा मोह बड़ी बात है सर, बरसों आपका नमक खाया है, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा सकती। कितना बड़ा धोखा हुआ आपके साथ। मैं जानता हूँ सर, इन सब कुछ भूलना आसान नहीं है। सीता देवी ने खैर आपके साथ जो किया सो किया ही, लेकिन इस मासूम ने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने खुदकुशी कर ली? वो जिंदा होती तो भी मैं उसकी छाया अपने बच्चे पे नहीं पड़ने देता। सर, अब इस मासूम का क्या होगा? नौकर बच्चे को संभाल तो सकते हैं लेकिन पाल नहीं सकते। सर, मैं आपसे एक बात कहूँगा, इजाजत हो तो? आप तो शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं लक्ष्मीदास, अब मेरे लिए किसी और औरत पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। नहीं तेजा साहब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर एक औरत ने आपको धोखा दे दिया है तो उसका ये मतलब नहीं दुनिया की सभी औरतें बदचलन हैं, बेवफा हैं। लेकिन अपने बच्चे के लिए सौतेली माँ लाना मुझे पसंद नहीं। ये सौतेली माँ की भी अजीब तस्वीर बना रखी है आप लोगों ने। दुनिया में ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके दिल में इतनी जगह है कि वो दूसरों की औलाद को अपनी औलाद समझकर उनकी देखभाल कर सके, उन्हें सीने से लगा सके। क्यों, दुनिया में ऐसी लड़कियां नहीं है? सर, अब तो वाकई को अच्छी सी लड़की देखकर आपको शादी कर लेनी चाहिए। इस घर को एक मालकिन मिल जाएगी और नन्हे को एक माँ। सीता बहन, एक बात हम तुमको हमेशा बोला है मगर तुम हमारा बात नहीं मानते। वही अपना वास्ते नहीं, तुम ये छोटा मासूम जान का वास्ते तुम अपने शोहर के पास चले जाओ। खुदा रसूल का कसम, आपको यकीन है कि ये छोटा लाला तुमको तुम्हारा हक दिलाएगा और जरूर दिलाएगा। भाई साहब, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि आपने सारा ड्रामा जमाया कैसे? अरे ये तो बहुत आसान बात थी ब्रदर इन लॉ। जैसे मुझे मालूम हुआ कि तेजा को बच्चों का बहुत शौक है, मैं समझ गया कि इस घर में खेल बड़ी आसानी के साथ खेला जा सकता है। पहले तो मैंने डॉक्टरों के झूठे सर्टिफिकेट से तेजा को यकीन दिला दिया कि उसकी बीवी के बच्चा हो ही नहीं सकता, और फिर सोनिया को मंदिर भेजकर मैंने ऐसा ड्रामा चलाया कि उस बेवकूफ और उस सीता ने तुम दोनों के बच्चे को अपना बच्चा मान के तेजा की गोद में डाल दिया। और फिर उसके बाद तुम्हें ब्लैकमेलर बनाना, सीता को घर से निकलाना और सोनिया को आहिस्ता आहिस्ता तेजा के करीब लाना। वॉज वेरी सिंपल, वेरी इजी। लेकिन भैया, हम सब एक बात भूल रहे हैं, तेजा का छोटा भाई शंकर अभी तक जिंदा है और उसके होते हुए हम तेजा की सारी दौलत के मालिक नहीं बन सकते। अगर ऐसी बात है तो शंकर को भोले शंकर के पास भेज देते हैं। चाची, वो मुझे मारना चाहती है। वो कौन? वो। क्या हुआ बेटा, तुम घबराए हुए क्यों हो? ये क्या कह रहा है सोनिया? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। इसकी बात ना सुनिए, ये मुझे चच्चा। क्या हुआ डियर? ना जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। पहले मुझे छत से धक्का देने की कोशिश की, फिर अपने कुत्ते से कर दिया। ये सब झूठ है। ये झूठ है, दिखता नहीं तुम्हें? नहीं, सीता भाभी कसम ये मुझे मारना चाहती थी। तभी आने दीजिए, बच्चों को कोई मारता है? देखो ना भैया, इस कुत्ते को बाहर फेंक दो, आज ये घर में नहीं रहेगा। और बैठ जाओ तुम। नहीं नहीं अजी, ये कुत्ता पागल हो गया, इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं नहीं ये कुत्ता पागल। बचा लीजिए प्लीज। मार देंगे मार। अरे अरे मैन, अरे कहाँ घुसा जाता है? इस तरफ कोई लड़का भाग कर आया तो नहीं है? लड़का नहीं नहीं, लड़का कोई नहीं, लेकिन बात क्या है? तुम्हें क्या बताऊँ, वो साला घर से भागा हुआ है। भागा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं। हाँ यहाँ तो नहीं है। अरे तू इतना अच्छा बच्चा है, घर से भाग के क्यों आया? भागता नहीं तो और क्या करता आंटी, वो लोग मुझे मार। अरे आपको तो बहुत बुखार है आंटी, चलिए चलिए, आपको बिस्तर से नहीं उठना चाहिए। आंटी आपको कौन सी बीमारी है? दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है मुझे, गरीबी और भूख। भूख? आपके घर में आज खाना नहीं बना? गरीबों के घर में रोज रोज खाना कहाँ बनता है रे? नहीं आंटी, आज से इस घर में रोज खाना बनेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पुलिस, बाप रे भागो। अरे गंजी मेरी, अरे गंजी मेरी फट जाएगी। अरे 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 बाप रे, छोड़ जाए मेरे को, अरे मारता मेरे पर। अरे मेरे सो जा। ये लड़के टिकट है क्या? हाँ हाँ टिकट ब्लैक में, एक का दो चलेगा। दो देना। एक का दो। तीन का छह। डिम्पल नया हीरोइन, तीन का छह। ऋषि कपूर नया हीरो, तीन का छह। राजपूत का नया पिक्चर बॉबी, तीन का छह। भाई 4 टिकट बाकी है भाई, तीन का छह। क्या कर रहा है? टिकट ब्लैक कर रहा है क्या? ब्लैक बैग कैसी बात करता है हवलदार, मैंने ये सब धंधे छोड़ दिए। आजकल नाइट स्कूल ज्वाइन किया है, तीये का पहाड़ा याद कर रहा था। 1 तिया 2 तिया 6 3 3 9 4 3 4 3 4 3 4 3 12 12 12 12। ए क्रिस्टो, हां टिकट पे दुआ के लिए 12 बहुत मजबूत है। ओ बालकनी में 4 टिकट 6 की है, 5 का 10 5 में 10 डबल बो। अरे पीछे भी तो डबल है, 5 का 10 बालकनी, 5 का 10 बालकनी, 5 का 10। आप ही दो नहीं सकता 10 20 40 आलो 40 आ तो मैच बॉक्स है, टिकट का है पड़ाऊ टिकट डिबिया के अंदर है। तो शुरू जगह जल्दी अंदर जाओ। ए क्रिस्टो, सबको माला के अड्डे पे लेके आ जाओ, वहां माल बांट लेंगे। अरे पर तू किधर जाता? आज पहली तारीख है, मम्मी के लिए राशन लाना है। मम्मी बाबा मम्मी ये रहा राशन और ये रही तुम्हारी दवाइयाँ। आज साहबा अब तो मुझे शर्म आने लगी, कितने बरसों से हर महीने तो ये राशन लाता है। मम्मी अगर हिंदुस्तान भर का राशन भी लाके तुम्हारे घर में भर दूं ना तो भी तुम्हारे एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकता। अब तो शुरू। अच्छा मम्मी तुम भी चुप और मैं भी चुप। मम्मी इसमें सब दालें हैं, मूंग की, मसूर की, नमक, हल्दी और ये रहा मम्मी देख रहा हूँ सेठों के दिलों में लालच और गरीबों के चावलों में कंकर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इस दुनिया का क्या होगा? अरे ये तो सोच तेरा क्या होगा। क्यों? ये ब्लैक मार्केट के बिजनेस में पकड़ा गया तो? पकड़ा गया, कितनी बार समझाया लेकिन सुनता ही नहीं। अरे मेरी मम्मी जो है जमानत देने के लिए, मुझे किस बात की चिंता। तेरी मम्मी के पास ये घर भी नहीं रहेगा। क्यों? तेरी जमानत दे दूं। क्यों नहीं रहेगा? खेल ना खता। ये देख, एक कंपनी ने जमीन खरीदी है, सबको नोटिस मिलते हैं, 1 महीने में खाली कर दो। उनके बाप का राज है, देखता हूँ कैसे खाली करवाते हैं। अरे वो लोग तो नोटिस देके चले गए, हम अपने बाल बच्चे लेके कहाँ जाएं? बच्चों को तुम मेरे पास छोड़ दो और खुद जाकर समुंदर में डूब मरो। क्यों बे? दिन में 10 बार अपनी बीवी पे हाथ उठा के मोहल्ले वालों पे मर्दानगी जताते हो। वो साला नोटिस लेकर आया था, उसको 2 हाथ नहीं जमा सके। उस्ताद अपन तो खबर सुन के भाग कर आया। अगर वो झिंगा से सूरत वाले मुझसे मुझे मिल जाता तो मैं उसे फ्राई करके माला के अड्डे में सप्लाई कर देता। कहाँ है वो? लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ दगड़ू और उसके साथी थे। दगड़ू कहाँ है वो? मुंशी के साथ बैंक गया। बैंक से कहाँ जाएगा? माल लेके माला के अड्डे पर ही जाएगा उड़ाने के लिए। केस्टो चल आज साले को देख लेते हैं। लेकिन उस्ताद जरा सोच लो, ये मामला दगड़ू का है। मामला दगड़ू का नहीं, मामला हमारी बस्ती की इज्जत का है। माला का माल पीकर माला को ही खोटा माल टिकाता है। चल रख रोकड़ा। हाँ ये ले। अरे चल फूट यहाँ से। अजी अर्ज किया है, मुझे न छेड़ो यारो, मैं नशे में हूँ। अरे शीशे में मैं नशा। अबे ओ शायर की औलाद, खाली पीली धंधे का बटोला मत कर। ये माला का अड्डा है, कोई मुशायरा नहीं, समझ ला का। चुपचाप नौटंग मार और फूट जाए यहाँ से। अरे भैया को मौसमी दिया कि नहीं? अबे ओ बेवड़ा, खाया पिया और खिसका, बाप का माल समझता है क्या? निकाल 3 रुपया, निकाल नहीं तो सब उतार दूंगी। अरे घेर। अरे वो माला, ये मौसम्बी की दारू है कि निरा पानी? अरे ससुरी में कुछ दमी नहीं, दारू में पानी मिलाओ था का? देखो भैया, अगर हम दारू में पानी मिलात है तो क्या हुआ? तुम दूध में पानी मिलाकर अक्खी बम्बई को पिलात है, वो कुछ नहीं है। देखो ये माला का अड्डा है, यहाँ ग्राहक की सूरत देखकर दारू मिलती है। हाँ समझ लो कौन? ए माला। अरे घूमत लाना। ये लो, एक और फांदे बजा गया। सलाम शंकर दादा। माला 2 बोतल पानी नहीं, मौसमी। लो अभी बैठा नहीं कि बमा बम चालू। देखो इधर जास्ती लफड़ा नहीं मांगता अपन को। ए छोकरा, एक मौसमी देना इस हीरो को। माला काय रे? छोकरे के हाथ से तो रोज ही पीता हूँ, आज अपने हाथ से पिला देना। माँ कसम, तू पानी को भी छू लेना तो दारू बन जाए पहली धार की। चुप बे, लगता है आज तेरी टिकट नहीं बिकी इसलिए पिक्चर भी खुद ही देख डाली और यहाँ आकर पिक्चर के डायलॉग मारता साला। ए माला, मेरी बात तेरे भेजे में आने वाली नहीं है। तू ठहरी दारू वाली और हम ठहरे दिल वाले। हाथ बाहर, समझती हूँ तेरे को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। निकाल 10 रुपये बाटली का। किस बात के 10 रुपए? बाटली बाकियों को 5 में और मुझे 10 में। अरे तू भी तो 2 रुपये के टिकट 4 रुपये में बेचता है। ये माला का अड्डा है, यहाँ ग्राहक की सूरत देख के दारू मिलती है। ए, मेरे मास्टर की सूरत तुझे कैसे लगी रे? चुप है चमचे, नहीं तो टकले पर बाटली फोड़ दूंगी। जाने दो माला, तुम्हारा होने वाला देवर है, ऐसे मस्खरी कर रहा था बेटा। नमस्ते भाभी जी। अरे मेरा देवर है तो तेरे साथ क्या कर रहा है? आता मेरे दुल्हे के साथ। जास्ते बकबक मत करना, जाके बैठ के दारू पी। मास्टर आज तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। जब देखो बक 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 करता रहता। छोकरे दारूला फटाफट अंग्रेजी। देखा मुंशी जी अपना अवार्ड कितना चलता है इधर? लुआ देखा साले का, जैसे ये आलू उसका बाप का है। ए छोकरे एक 555 का पैकेट लेके आ। हम तो माल यही उड़ाते रहते हैं। अरे फिक्र क्यों करते हो, ये खत्म हो जाए तो और ले लेना, मगर अपना काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा, पहले ये अंग्रेजी दारू तो पी लो, न ठोको। क्यों रे, तू यहाँ क्या करने आया है? सिगरेट सुलगाने आया, झगड़ा करने आया है? और नहीं तो क्या गले मिलने आया हूँ? अबे जिस थाली में खाते हो उसी में थूकते हो, कुछ तो शर्म कर। 2 टके के मुंशी के साथ कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिर रहे हो। अच्छा, तो कुत्ते के साथ बिल्ले भी आए हैं। बहुत जुबान चल रही है तेरी। आज जुबान ही नहीं दगड़ो, हाथ भी चलेगा। ए फंदेवर, ये रारा बाहर जाकर कर, इधर अपन को लफड़ा नहीं मांगता, समझ ला इसका। चिंता न को माला, मैंने ऐसे 20 लफाड़िए सीधे किए हैं। क्या कर रहे हो? बाहर जाके मारो। तेरे बाप का है क्या? नहीं हो गया। तोड़ते जाओ। अरे अरे भाई को मारा, भाई को मारा, भाई भाग यहाँ से। घड़ी टूटी, कांटे रह गए। अरे बाप रे, माला का अटक। साठ। अरे ओ मेलिया, मेरे अड्डे का तो 61-62 कर दिया, अब किसका 61-62 करना है जो ये दंड पेल रहा है? निकाल मेरे 600 रुपया फटाफट। 600 रुपया? किस बात का? किस बात के? अब बेहोश महाभारत के, जिसने माला के अड्डे का नक्शा ही बदल दिया है। टेबल कुर्सी तो दूर, ऊपर टंगी बेचारी घड़ी की पसलियां तक टूट गई हैं। केष्टो, हाँ उस साले दगड़ू की वजह से बहुत नुकसान हो गया मेरी माला का। ए माला, तू एक काम कर ना, सीधा दगड़ू के पास चली जा और उस साले से सूद के साथ सारे के सारे वसूल कर लेना। बोलना केष्टो ने भेजा, समझी? जा, हो जाएगा काम। चुप है चमचे, जास्ती बड़बड़ की तो तेरी शादी में एक बोतली नहीं देने की। चाय समझ ला। अब ए हीरो, निकाल रोकड़ा। पैसा पैसा पैसा, ये सारा पैसा क्या होता है? अरे पैसा तो हाथ की मैल होता है। पैसा हाथ की मैल होता है तो फिर फटाफट हाथ धो ले और निकाल मैल इधर। देख माला, अगर गलती से तेरा थोड़ा बहुत शीशे का सामान टूट भी गया तो बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? मेरी तरफ देख, दिन में न जाने कितनी बार तू मेरा शीशे सा नाजुक दिल तोड़ा करती है। मैंने कभी तुमसे कुछ कहा है? नहीं कहा ना। चला अंदर। आशीष थे, निकाल रोकड़ा नहीं तो बिगाड़ दूंगी तेरा थोपड़ा। तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तेरे रहने के लिए मैं शीश महल बनवाऊंगा। शीश महल क्या करना है, शीश महल क्या करना है। अच्छा है मेरा झोपड़ा, ला रख दे, खा रख दे, चल रख दे मेरा रोपड़ा। तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। तेरे रहने के लिए मैं शीश महल बनवाऊंगा। शीश महल क्या करना है, अच्छा है मेरा झोपड़ा, ला रख दे मेरा रोपड़ा। शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। प्यार में रखते नहीं हम हिसाब, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। प्यार में प्रेमी काम आए, पैसा काम न आया। ओ मुझको धंधे की कसम, तू कितनी है नादान। तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। तेरे रहने के लिए मैं शीश महल बनवाऊंगा। शीश महल क्या करना है, अच्छा है मेरा झोपड़ा, ला रख दे, खा रख दे, चल रख दे मेरा रोपड़ा। कहाँ गई? लगता है जरूर वो मेले केस्टो लेके गया होगा। चले किनारे तक छोड़ा, चले किनारे तक छोड़ा। क्यों? जब मैं तेरे अड्डे पे पी के धोत हो जाता था, तू क्या मेरे घर पे छोड़ने आती थी? अब मैं जाऊंगी कैसे? कैसे? ये क्या करते हैं तुम? छोड़ मुझे। अरे मेले अब तू अड्डे पे आ, देखती हूँ मैं तेरे को। हाँ। अरे सुनो, घर पहुँच के तार दे देना। हम बहुत बदकिस्मत भाई है, हूँ बोला है ना, इसी वास्ते तुम अपने शोहर का नाम नहीं बताते। बहन तेरे को ये राखी का वास्ता है। नहीं खान भैया, हिंदुस्तानी औरत कभी अपने पति का नाम नहीं लेती। जानते हो औरत को सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब उसका पति खुश हो। मुझसे दूर रहकर अगर उन्हें खुशी मिलती है, तो मुझसे ज्यादा और कौन खुश हो सकता है। खुदा की कसम है बहन, तुम सिर्फ नाम का सीता नहीं है, सचमुच का सीता है। अरे हाँ, सुंदर कहाँ गया? गाजर का हलवा बना, न जाने कहाँ चला गया। ओए छोटे लाला, ओए पागल हो गया तुम? वो कौन से शैतान घोड़ा पर बैठा है? वो बैठे रहो मेरा जवान, बैठे रहो, उतरने नहीं। चिलगोजे के बच्चे को पकड़ के रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी तरह मेरा छोटे लाला जीता रहो। वो छिलको से बच्चा तुम उतर क्यों गया है? 5 सेकंड और ये घोड़ा पर बैठता था तो दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ता था। अरे खान मामा, आप 5 सेकंड की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर मैं इस घोड़े पे 1 सेकंड भी और बैठा होता तो ये बेचारा घोड़ा ही बैठ जाता। रिकॉर्ड तो बाद में टूटता खान मामा, पहले इस बेचारे घोड़े की कमर टूट जाती है। जैसे नौकरी ढूंढते ढूंढते अपनी टूट गई। लाहौर मेरा खोते 24 घंटे तुम नौकरी नौकरी करते। वो हम जिंदा है, मर थोड़े गए। जरा आकर देखना घोड़े की नाल ठीक लगी है ना? वही आता है भाई। ओए तुम एक काम करो, तुम्हारा माँ तुम्हारा इंतजार करता है। और यह बात और सुनो, गाजर का हलवा भी तेरा इंतजार करता है। लवली फार्म है आपने की, मजा आ गया थे। काफी घोड़े होंगे यहाँ पर। क्या राइडिंग कर रही हैं आप? एक ए साइज, हमें राइडिंग करनी। साइज कौन? मैं? आप? हम किरण साहब हैं और ये यहाँ के मालिक की बेटी पिंकी मैम साहब। अच्छा अच्छा, आप दोनों भाई बहन हैं? सारा हम फ्रेंड्स हैं। सुना नहीं, इन्हें राइडिंग करनी। हाँ जी, नाराज क्यों होते हो? कहो तो मैंने अपने कंधे पे बिठाकर मैदान का राउंड दिला दूं। आइए ना मैडम, बैठिए। चुप बैठ। क्या ये भी समझाना पड़ेगा कि हमें हॉर्स राइडिंग करनी है? ओहो, तो आप घोड़सवारी करेंगी? लेकिन मैडम ये हिंदुस्तानी घोड़ा है, ये हम जैसे हल्के फुल्कों का वजन उठाने के लिए नहीं है। इडियट। हाँ, हम इसी घोड़े पर राइडिंग करेंगे। लेकिन मैडम ये बहुत अड़ियल घोड़ा है, आपके बस की बात नहीं है। कैसे नहीं है? ये घोड़ों के बारे में सब जानती है, इन्होंने घोड़सवारी पे तो किताबें पढ़ी है। लेकिन हुजूर, मुश्किल तो ये है कि वो 2 किताबें इस बेचारे घोड़े ने नहीं पढ़ी है। कम ऑन किरण, बेकार डरा रहा है। आओ। ओके। देखा, तुम समझते थे कि हम इस घोड़े पर नहीं बैठ सकते? हमने घोड़सवारी पर 2 किताबें। वो 2 किताबें तो लेने जाइए। अरे जाइए ना, आपकी बहन मैम साहब आपको बुला रही है। उस घोड़े को किसी ने काबू में लाओ, बचाओ उन्हें। माँ ने कहा था कि शरीफ लोग किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। इसे अपने पास रखिए, चूड़ियां खरीदने में काम आएंगी। बचाओ बचाओ। ठीक है, तो हमको बचा लेते हैं। हिंदुस्तानी घोड़ा बहुत अच्छा है, दोनों हल्के फुल्कों का वजन ले लिया। हाँ, शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। हाँ, आपको चोट तो नहीं आई? आई भी है और नहीं भी। जी। मैंने कहा था ना मैडम, आपकी वो 2 किताबें इस घोड़े ने नहीं पढ़ी है। लेकिन आप मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। सुनिए। जी। ये लीजिए। बख्शीश। शुक्रिया। ये तो लेना ही पड़ेगा, वरना दिल टूट जाएगा। हम आपका दिल नहीं टूटने देंगे। माँ ने कहा था बेटा कभी दिल किसी का ना तोड़ो। माँ ने कहा पाथी बनकर साथी साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। आज रात मेरे यहाँ पार्टी है, आओगे ना? मैं वहां क्या करूंगा? जान लो जग में कौन अपना है, क्या यहाँ सच है अपने सपने अपने अपने अपनों से मुंह न मोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न कदम न मोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। दीपक बाती बनकर साथी साथ किसी का न छोड़ो। माँ ने कहा था ओ बेटा कभी दिल किसी का न तोड़ो। साहब कह रही आप डैडी मीट माय फ्रेंड, ये सुंदर है, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। हाउ डू यू डू? वेरी वेल सर, आप तो मेरे मालिक समान हो। वो कैसे? गुल खान जो आपके स्टड फार्म के इंचार्ज है ना, मेरे मामा समान है, उन्हीं ने मुझे पाला है। एंजॉय योरसेल्फ। इनके जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज मी, मीट माय फ्रेंड शीला। डैडी कैन आई हैव अ सिगरेट? थैंक यू। Right. Thank you very much. Have one. जी नहीं, हैं? तुम सिगरेट नहीं पीते? बड़ों के सामने नहीं पीता। What? आजकल के जमाने में? शायद मैं भी दूसरों की तरह इन बातों में नहीं मानता, लेकिन माँ ने कहा था। जी हाँ। क्या काम करते हो? वैसे हाल ही में मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की है और काम की तलाश में। वैसे ये भी काफी मुश्किल काम है। क्या काम कर सकते हो? कोई भी काम जिसमें मेहनत और ईमानदारी की जरूरत हो। लेकिन सरकार आजकल ऐसी नौकरियां निकलती कहाँ हैं? ये मेरा कार्ड है, अगर तुम चाहो तो बंबई आ सकते हो। हमारी कंपनी में मेहनती और ईमानदार नौजवानों की हमेशा जरूरत होती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, गुड लक। क्या बताऊं डार्लिंग, तुमसे और बंबई से दूर रहकर तो मैं बिल्कुल बोर हो गई। अरे डार्लिंग, तुम तो सिर्फ बोर हो गई थी, यहाँ तो अपना दीवाला पिटने को था तुम्हारी रारादरी में। अपनी जेब में छूटी कौड़ी नहीं बची? वाह, अरे भाई जाने से पहले 15,000 रुपए तुम्हें देकर गए थे, सब रेस के घोड़ों को खिला दिया क्या? ये तो अपना अपना शौक है भाई साहब, अब आप ही देखिए ना, आपके टामी पर 1000-2000 तक खर्च नहीं होता क्या? ब्रदर, मुझे समझ नहीं आता तुम्हें मेरे टामी से क्या कॉम्प्लेक्स है? भैया इसमें कॉम्प्लेक्स की बात नहीं, जैसे आपको कुत्तों से प्यार है, इन्हें रेस के घोड़ों से प्यार है। पता नहीं मेरे सुंदर घोड़े को बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया, एक बार उसे बंबई आ जाने दीजिए भाई साहब। मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, मुझे यकीन है अगर सबका बैंड न बजा के रख दे तो मैं रेसिंग खेलनी छोड़। आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस इन सुंदर। अरे हाउस तो फुल है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, एडवांस बुकिंग करा लीजिए। तो आप क्या करें? मुझे क्या मालूम था इतना रश होगा। वो ब्लैक वाला है। ए सुनो, इधर आओ। तुम इधर आओ। हाँ? बड़ा बदतमीज आदमी है। चलो ड्राइवर वापस चलो। प्लीज, मैंने पिक्चर आज ही देखनी है। बालकनी के टिकट हैं? 5 का 10 लगेगा। बालकनी का टिकट 10 रुपए में? नहीं तो क्या 10 रुपए में स्वर्ग की टिकट चाहिए? बड़े बदतमीज हो। आप ही की मेहरबानी है। लाओ दो टिकट लाओ। छोटे आदमी के मुंह नहीं लगा करते डियर। छोटा हूँ इसीलिए चुप हूँ भाई साहब, वरना बहुत बदतमीज। शो शुरू हो जाए। ओ भाई साहब, आपका बटुआ। मेरा बटुआ? जरा देख लीजिए नोट पूरे हैं ना। ठीक है, ये कैसे गिरा मुझे पता नहीं चला। ये तो बटुआ है भाई साहब, आप खुद कब कहां और कितने गिर गए आपको पता नहीं चला। दो घंटे से हम लाइन में खड़े हैं और अब आप कह रहे हैं कि राशन नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, देश में अगर अनाज पैदा नहीं होता तो इसमें मेरा क्या कसूर? अनाज तो बहुत पैदा होता है सेठ, मगर उससे गरीबों के पेट नहीं तुम लोगों के गोदाम भरे जाते हैं। अभी तो तुम लोगों की तिजोरी में रखा हुआ पैसा नहीं गिना जा सकता, मगर गरीबों के जिस्म की पसलियां जरूर गिनी जा सकती है। क्या बकवास करते हो? तुम समझते हो कि मैंने अनाज गोदाम में बंद कर रखा है? अरे अनाज तो छोड़ो सेठ, तुम लोगों का बस चले तो चांद और सूरज की रोशनी भी गोदामों में बंद कर लो और उसकी ब्लैक शुरू कर दो। बहुत पंचम सुर में बोल रहे हो शंकर, लेकिन तुम खुद क्या करते हो? सिनेमा की टिकटों की ब्लैक, यही धंधा है ना तुम्हारा? सेठ, आज से सिनेमा की टिकटों की ब्लैक का धंधा बंद। अब तुम सीधी तरह इन गरीबों को अनाज दे दो, वरना माचिस की इस दूसरी तीली से तेरी दुकान को जला के राख कर दूंगा। कमाल करते हो मुनीम जी, अगर दुकान में राशन है तो कहती क्यों नहीं? बेचारे कितनी देर से धूप में खड़े हुए हैं। मेरा मुंह क्या देखते हो? उस्ताद, ब्लैक का धंधा तो बंद कर दिया, आप क्या करेगा? फिक्र क्यों करता है यार, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। अरे क्या रास्ता दिखाएगा, तुम्हारी एक तीली ने अच्छे भले धंधे को बंद करवा दिया। केशव, तू ये क्यों नहीं सोचता माचिस की एक तीली ने कितने घरों के चूल्हे जला दिए हैं। चल। क्यों रे शंकर, क्या बात है? अरे ये टैक्सी किसकी उठा के लाई मैम? किसकी टैक्सी? क्या मतलब मम्मी, मेरी टैक्सी है, मैंने रोकड़ा देकर खरीदी है। हाँ, और सुनो, इंस्टॉलमेंट पे लिए स्टेट बैंक से, किसी को बोलना नहीं। आज से मेरी मम्मी पैदल चर्च नहीं जाएगी, अपन छोड़ने जाएगा टैक्सी में। और गुड लक के लिए पहली सवारी मेरी मम्मी की होनी चाहिए। आजा मम्मी, आज जल्दी आजा, आओ। अरे शंकर, जिंदगी में तूने पहली बार माला के फायदे की बात की, जो चमड़े का हाथ दूर, कैसी फायदे की बात? अरे नहीं समझा, दूरो गाड़ी से, दूरो। का दारू का माल तेरी टैक्सी में इधर से उधर करने का, समझा? ये टैक्सी दारू का माल इधर से उधर करने के लिए ना। हाँ, अगर तुझे बॉम्बे घूमने का शौक है तो अक्खा बॉम्बे फोकट में घुमा दूंगा। अरे काली बिल्ली माँ, कब मिलेगी मेरी लुगाई? अबे कैसों के बच्चे, मेरी गाड़ी के मुंह पर बात ली थे मारी। अबे उस्ताद, पहली बार जब शिप को समुद्र में धकेला जाता है ना, तो उसकी बॉडी पे नरियल पड़ता है। अरे चलो, अपन को यहाँ से बात नहीं मांगता। अपन के टैक्सी पहली बार सड़क पे जा रही है, एक बाटली भी नहीं बोलूंगा। अरे चलो, गुड लक। पीछे हटो जी। मम्मी जल्दी बैठ, नहीं तो ये मेरी टैक्सी का टेम्पो बना देंगे। क्या ले ली, मुसीबत ले ली। चलो गुड लक, हटो दूर है सब। टैक्सी क्या ले ली, भाव खाता है। अपन अगर मांगे तो ऐसे 10 टैक्सी ले सकते हैं, लेकिन साला टैक्सी भी कोई धंधा होता है कि नहीं? ए बेवड़े, शादी में दारू पाइजे के नाम। टैक्सी भी कोई धंधा है, धंधा तो दारू का है। साला रात को आने दो अड्डे पे, बकते देखा मम्मी कितना फास्ट लेकर आया हूँ। आओ मम्मी आओ। हाँ बोलो, कितने पैसे हुए? अरे तूने मीटर भी नहीं गिराया, कैसा अनाड़ी ड्राइवर है। कैसी बात करते हो मम्मी, कोई अपनी मम्मी से भी पैसे लेता? लानत है, लानत है, लानत। अच्छा ये ले। ये क्या? गुड लक के लिए। मैं चर्च में जाके प्रे करूंगी कि जो भी कोई आदमी बम्बई में आए, पहले तेरी टैक्सी में बैठे। ये भाई, ये टैक्सी खाली है क्या? और नहीं तो क्या भाई, शो के वास्ते खड़ी की है। बैठिए। किधर लूं? आप जरा सेंटर में हो जाइए, मेरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ रहा है। कमाल है, ये टैक्सी है या तराजू? कहाँ जाओगे? जुहू। और देखो, मुझे नया नया समझकर गोल गोल नहीं घुमाना। बम्बई का नक्शा साथ में लाया हो, नक्शे वाले साहब। जुहू 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 जुहू, यही होगा। जुहू 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 जुहू। हाँ राइट ले ले। जुहू के लिए लेफ्ट जाना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, यहाँ पर राइट लिखा, आप राइट ले लीजिए। लेफ्ट जाना, राइट ले। उल्टा पकड़ा हुआ है। बॉम्बे क्या एक्टर बनने आए हो? नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। उस कंपनी का नक्शा भी लाए हो क्या? तुम लोगों में यही तो आदत होती है, जरा सा मुंह लगा तो बकबक शुरू। गाड़ी चलाओ, गाड़ी अपना काम करो। अरे लेफ्ट ले लो। नहीं, मेरा मतलब राइट लेके लेफ्ट ले लो। सीधे चलाओ और फिर राइट ले लेना। अबे और मिस्टर, तंग आ गया, कभी लेफ्ट कभी राइट। तू सीधी तरह बैठता या खोलूं दरवाजा? क्या कहा तूने? अबे तेरे से 2-4 पैसेंजर और मिल गए तो ये गाड़ी गई कबाड़ियों के पास। अरे और मिस्टर, मुफ्त में नहीं बैठा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। पैसे उसे क्या कहते हैं बम्बई वाले? हाँ, ये तेरी नानागिरी यानी चलेगी। नानागिरी नहीं, दादागिरी। ठीक है, नानागिरी दादागिरी एक ही बात है। देख, तुझे जू जाना ना, छोड़ दूंगा, मगर तेरी ये नक्शाबाजी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। राज कपूर की औलाद, तुम्हारी तलैया से आए हो या नया जालना से? क्यों, गाने का बहुत शौक है? अरे वाह, गा भी नहीं सकते, ये भी नहीं, वो भी नहीं। अरे ये टैक्सी है या सेंट्रल जेल है? टैक्सी आने जाने के लिए होती है, गाने बजाने के लिए नहीं। जू आ गया, जू आ गया। अरे भाई साहब, जू तो हमेशा यही था, ये कहिए कि हम जू आ गए। अभी किधर जाओगे? तेजा रोड। क्या करता है भाई, नाक टूट जाता तो। 18 रुपए 70 पैसे। अपन उस लेन में नहीं जाएगा। लेकिन मुझे तो वहीं जाना है। क्यों भाई साहब, आप वहां से किसी का सामान चुरा के भागे थे जो नहीं जाना चाहते? अबे तू मेरे साथ वहां गया तो तुझे भी चोरी का सांड समझ के वहां बांध लेंगे। क्या कहा? मैं सांड हूँ, मैं चोर हूँ, मैं सांड हूँ। तू बाहर निकल। नहीं निकलूंगा। कैसे नहीं निकलता? नहीं निकलेगा, नहीं निकलूंगा। अरे खोल दरवाजा। नहीं खोलूंगा। मैं कहता हूँ आधा हाथ नहीं आऊंगा, आधा सीधी तरह नहीं आऊंगा। अभी आधा नहीं आऊंगा। मर गया, मर गया मेरी सास। निर्दोष हो, बेकसूर हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। कहाँ जा रहे हो साहब? ये झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों चुप दंगल कर रहे थे, इसलिए दफा नंबर अच्छा नंबर। हाँ, 420 में गिरफ्तार कर लिया है। 420 हम लोग ये तो अच्छा हुजूर का मेडिकल था क्या? वरना जू का नक्शा बदल देते। नक्शा मेरे पास नहीं साहब, नक्शा इसके पास है। ये जू का ही नहीं, अक्की बम्बई का नक्शा बदल रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राइट। साहब बिल्कुल झूठ, मैं जू का नक्शा नहीं बल्कि जू के इस्तेमाल का तरीका बदल रहा था। लोग बाहर जू रोमांस करने आते थे, मैं जू को अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कुश्ती का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। करेक्ट। आज भारतवर्ष को रोमांस करने वाले नहीं बल्कि ऐसे नौजवानों को जरूरत है जो देश के लिए अपनी जान दे दे। बस बस बस, अब की बात तो छोड़ता हूँ, दोबारा ऐसी हरकत की तो जेल में डाल दूंगा। जाओ। अरे काई साला सुना, सारे शंकर मेरे को रघु ने बताया कि वो थाने से बाहर जा रहा था और तू थाने के अंदर। किसी को ठोक तो नहीं दिया? अरे ठोकने की बात छोड़, आज तो अपन ठोकते ठोकते बच गया। सुना, अच्छा हो तुमने मुझे फोन कर दिया। लेकिन ये रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन कैसे पहुँच गया? ये सब इस टैक्सी ड्राइवर की वजह से। ए मिस्टर, तू इस भोले भाले को अकेला समझकर इसमें दादागिरी कर रहा था? मैं तुझ पर केस कर दूंगी। ए कलाकंद, इधर बात कर, इधर। तू केस करेगी तो तुझ पर शूट केस कर दूंगी। देखो, ज्यादा 3-5 की तो इन सेब जैसे गालों को निचोड़कर बेवड़े के भाव बेच दूंगी। पुलिस आती है। अरे समझे क्या समझती है? तेरे गोलगप्पे जैसी आंखों को निकालकर हाथ में दे दूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? नहीं खोला था, इन लड़कियों ने खोला था, अब बंद कर दिया। अबे और टैक्सी वाले, तेरी टैक्सी में मेरा सामान पड़ा है, तो चिल्लाते को जाके टैक्सी से ले लो सामान। लेके आओ ना। टैक्सी तो केस्टू ले गया। केस्टू? वाह वाह वाह, सुनी इसकी बातें, सुनी इसकी बातें। अब इन दोनों में हेरा फेरी भी शुरू हो गई है। मैं कहता हूँ आराम से मेरा सामान दे दे, और याद रखना अगर मेरा गाजर का हलवा खराब हो गया ना तो पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगा। कराऊंगा क्यों? अभी कराता हूँ। अबे ओ पहाड़गंज, अभी अभी अंदर से बाहर आओ फिर अंदर जाने की बात कर रहे हो। तो सामान मिले, टैक्सी तो आ जाओ। देखो टैक्सी बाबू केस तो आ जाएगा, तो टैक्सी आ जाएगी। ढूंढ के आओ, घबराओ मत, मिल जाएगा यार। चल हाँ आजा। मिस्टर टिफिन, अबे मरा क्यों जा रहा है? लाता हूँ। वो टैक्सी में सामान था पैसेंजर का, किधर है? इतना बड़ा सामान साथ में है, दिखता नहीं क्या? अरे सामान की बात नहीं कर रहा मैं, उस मोटे पैसेंजर के सामान की बात कर रहा हूँ। देखो उस्ताद, जब तक तुम अपन के मैरिज में नाचोगे नहीं, गाओगे नहीं, हम कुछ नहीं बताएगा। अबे हनीमून इधर बनाना है या पुलिस स्टेशन? भैया दूल्हा जरा मूड में है, बता नहीं रहा, कह रहा है पहले नाचोगा फिर बताऊंगा। एक काम करो, तुम सुबह आके सामान ले जाओ। तो फिर नाचोगा? मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। हे लल्ला झूमो जरा, झूमो नाचो जरा, शादी बनाने को कश्तो चला। हे लल्ला झूमो जरा, झूमो नाचो जरा, शादी बनाने को कश्तो चला। भाड़े की गाड़ी मुच्छी न दाड़ी, राजा आगाड़ी पीछे हल्ला। शादी बनाने को कश्तो अच्छी ये जोड़ी वो है अंगूठी ये है छल्ला ए लल्ला हे रे लल्ला झूमो जरा झूमो नाचो जरा शादी बनाने को किसको चला भैंसनाथ, ये कोई धर्मशाला नहीं, अभी तक लंबी तान के सो रहे हो। ये मैं कहाँ आ गया? अच्छा, तो तुम मुझे लूटना चाहते हो? तो मैं गया हूँ जिसकी टैक्सी की तूने ऐसी तैसी की है, समझे? ओह, सर दुखाएगा। मुझे तो अभी सर दर्द हो रहा है, मुझे कल से हो रहा है जब से तू मिला है। यानी कल से मैं यही हूँ? जी नहीं, ताजमहल में थे आप। अबे सड़क पे दारू पी के लेट गए थे, 2.5 मन की बोरी मुझे उठा के लानी पड़ी। बड़ी भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया है। मेरा टिफिन कैरियर कहाँ है मिस्टर? ये रहा तुम्हारा टिफिन, वो रहा सामान, उठाओ और फूटो। चलाओ। कुछ नहीं, ये हलवा सुनकर मुझे बचपन याद आ गया। मेरी भाभी भी ऐसे ही हलवा बनाती थी, बहुत खाता था मैं। कहाँ है तेरी भाभी? बचपन में ही छोड़कर कहीं चली गई थी। अब बहुत ढूंढा, कहीं मिल गई। देखिए आप, अपन बहुत सेंटिमेंटल आदमी है। तेरी ये दर्द भरी कहानी सुनकर अपना दिल हिल गया। फाइट के दो दो हाथ तो हो ही गए, अब खाने के भी दो दो हाथ हो जाए। ये ले। भतीजे क्यों शर्मिंदा कर रहा है? अरे चाचा खाने पीने के मामले में बिल्कुल बेशर्म आदमी, ये देखना। चल हो जाए। चला नीचे। ये हुई ना बात चाचा, वो भी खाना चाचा। काश मेरी भाभी मिल जाती तो ऐसा हलवा रोज खाने को मिलता। अरे फिक्र क्यों करता है, जगह मिलते ही माँ को बुला लूंगा, फिर रोज आके खा जाना। तुम्हें वाह रे ऊपर वाले, इस हलवे ने भी अजीब रिश्ता जोड़ दिया है। सुन, जब तक तेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता तो यहीं टिक जा। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? क्या कहा? आज से तू मेरा भतीजा, मैं तेरा चाचा। मिला हाथ। गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सर। प्लीज सिट डाउन। जी नहीं, शुक्रिया। ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है, कल से तुम काम पे आ सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शहर में कुछ रहने सहने का इंतजाम किया? जी वो हो गया। एक ही दिन में? सर शहर कितना भी अजनबी क्यों ना हो, कोई ना कोई तो अपना मिल ही जाता है। ओह यस, दैट्स राइट। किरण जी, सुंदर को स्टाफ से मिलाओ। जस्ट टेक हिम अराउंड एंड शो हिम थिंग्स। डोंट वरी डैडी, आई विल शो हिम। चलिए मिस्टर कमाल, चलिए। थैंक यू सर। क्या बात है डॉक्टर साहब? कंकर अपेंडिक्स बहुत सीरियस है, किसी भी वक्त बस्ट हो सकता है। इनका ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। इन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट करा दो। इसे डॉक्टर साहब को छोड़ दो। मम्मी मम्मी मम्मी, डॉक्टर ने कहा है घबराने की कोई बात नहीं। अस्पताल जाओगी बस 2 ही दिन में ठीक हो जाओगी। मैं बीमार थोड़ी हूँ, ये तो मौत बहाना ढूंढ रही है मुझे। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? मैं कहता हूँ ना तुम अच्छी हो जाओगी। केस्टर जल्दी से टैक्सी निकालो। टैक्सी क्यों नहीं निकालता? क्या बात बोल रहे मास्टर, कैसे देखा अस्पताल बम्बई बंद है, सड़कों पर ये बड़ा बड़ा पत्थर चलता है। इस तो मेरी मम्मी की जिंदगी का सवाल है। आज बॉम्बे की सड़कों पे पत्थर चले या गोलियां, शंकर की टैक्सी नहीं रुकेगी। मम्मी तो फिक्र मत कर मम्मी, मैं तुझे किसी तरह भी हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा। पे भरोसा रखो मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी बस सामने ही है हॉस्पिटल। चाचा तबीयत कैसी है? अच्छा तुम 3 दिन के बाद होश में आए हो। मम्मी कैसी है? वो कहाँ है? वो तो चली गई। केस्टो का मतलब है मम्मी ठीक है, घर चली गई है। मम्मी ठीक हो गई है, घर पे है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना? डॉक्टर ये मैं कब घर जा सकता हूँ? कम से कम अभी 2 दिन के बाद। 2 दिन? अब तुम आराम करो, आराम करो ना चाचा। देख जाओ भगवान, लाख लाख शुक्र है मेरी मम्मी अच्छी हो गई। मम्मी, मम्मी मैं आ गया। अरे मेरी रानी, अगर मेरे को पता होता हॉस्पिटल से आने के बाद मेरे को फोकट का दारू मिलेगा। अपन दिन में 2-4 एक्सीडेंट करता, हॉस्पिटल जाता और फोकट का दारू पीता। ले खोल दे। नहीं ओके। मम्मी कहाँ है? सो रही है क्या? हाँ शंकर, तेरी मम्मी सो रही है। अरे सुने दे सुने दे, ये डॉक्टर लोग तो अपन को 1 दिन और रखना चाहते थे, लेकिन मैं चुपके से भागा आया। इस घर में पहली बार भी मैं भाग कर ही आया था। शंकर, तू बहुत प्यार करता है रे अपनी मम्मी को। जल गई ना, अपना है ही कौन माला। माँ बेचारी की तो शक्ल भी मैंने नहीं देखी। हाँ भगवान ने भाभी के रूप में एक माँ दी थी, वो भी बिछड़ गई। पता नहीं अगर मुझे ये ना मिलती तो मेरा क्या होता। माला, मम्मी को नहीं बताया मुझे बहुत चोट लगी है? नहीं। अच्छा किया, नहीं तो बेचारी बेकार में परेशान होती है। मैं जरा मम्मी को, मैं जगाऊंगा थोड़ी, ऐसे चुपके से देख के आता हूँ। अरे तू बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरी मम्मी? शंकर, तेरी मम्मी जिंदा नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये देख मैं तेरे लिए राशन ले आया हूँ। तुझसे वादा किया था ना, हर महीने मैं तेरे लिए राशन लाऊंगा। आज तो मैं साल भर का ले आया हूँ। ये देख मम्मी, ये देख गेहूँ, ये देख ये चावल, ये दाल, सब ले आया हूँ मम्मी। और क्या चाहिए तुझे मम्मी? बोलो क्या चाहिए तुझे? मम्मी तुझे किस चीज की कमी थी जो मुझे छोड़कर चली गई? तो समझती है मैं तेरे बगैर जी नहीं सकूंगा, तेरे बगैर मेरा कोई नहीं। बोल क्या समझती है तू? ठीक समझती है मम्मी, ठीक समझती है। तेरे बगैर मेरा कोई नहीं, मैं तेरे बगैर अकेला रह गया मम्मी, मैं तेरे बगैर अकेला रह गया। जिंदगी में जिसको मैंने अपना, सब मुझे छोड़कर चले गए। तू भी मुझे छोड़कर चली गई। तू क्या इसलिए मुझे छोड़कर चली गई कि मैं तुझे अस्पताल नहीं ले जा सका? मम्मी मैं अनाड़ी ड्राइवर हूँ, मुझे माफ कर देती थी, मुझे माफ कर देती मम्मी, मुझे माफ कर देती। I'm very sorry, कल मैं काम पे नहीं आ सका। मेरे दोस्त शंकर के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ? उसकी माँ मिसेस डिसिल्वा का देहांत हो गया। शंकर और उसकी माँ मिसेस डिसिल्वा, ये कैसा रिश्ता हुआ? सर दुनिया में सारे रिश्ते मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। अगर मोहब्बत है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अगर मोहब्बत नहीं तो खून भी खून को नहीं पहचानता। शंकर मिसेस डिसिल्वा को अपनी माँ समझता था। बाय द वे, ये वही शंकर है जो चूना भट्टी के एरिया में रहता है? जी हाँ, चूना भट्टी की वो जमीन जिस पर इन लोगों ने झोपड़पट्टी बना रखी है वो हमारी है। हमारे आदमी जब भी वहां नपाई या नोटिस लेकर जाते हैं, शंकर के बच्चों ने मार पीट कर वहां से भगा देता है। अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो उसे कह देना ये दादागिरी बहुत महंगी पड़ेगी। आप चाहते हैं तो कह दूंगा, लेकिन मैं शंकर को जानता हूँ, वो ऐसी धमकियों से घबराने वाला नहीं है। हम उसे धमकी देना नहीं चाहते, और ना ही हमने कभी चाहा कि उसके साथ झगड़ा करें। ये सही है कि कानूनन वो जमीन हमारी है और ये भी सही है कि बरसों से वो लोग वहां रह रहे हैं। इस दरअसल मैं उन्हें कंपनसेशन देना चाहता हूँ, इसलिए कई बार मैंने शंकर से मिलने की कोशिश की लेकिन वो आता ही नहीं। तुम शंकर के दोस्त हो, उसे समझा बुझा के यहाँ ले आओ, बाकी बात मैं कर लूंगा। खबरदार जो दोबारा उस आदमी का नाम मेरे सामने लिया तो। तेजा साहब से इतनी क्या दुश्मनी चाचा? मैं मानता हूँ कि वो इस बस्ती को गिराकर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बस्ती वालों को नए मकान भी तो बना कर देंगे। अरे वो क्या किसी का घर बनाएगा जिसने खुद अपनी सीता सामान पत्नी का घर जलाकर राख कर दिया हो? चाचा शायद तुम उनकी पहली पत्नी के बारे में बात कर रहे हो, है ना? मैंने भी सुना था कि वो आवारा थी, बदचलन थी। खबरदार जो दोबारा उस देवी के लिए अपनी गंदी जबान खोली। मां कसम इस थप्पड़ का जवाब मैं भी दे सकता था, मगर तुम्हारे एहसानों के बोझ ने हाथ उठने नहीं दिया। मैं जा रहा हूं। इतना याद रखना कि अगली बार मैंने तो बता दूंगा कि इन रगों में भी उतना ही गर्म खून दौड़ रहा है जितना कि तुम्हारी रगों में। सुंदर, सुनो सुंदर, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। इतनी छोटी सी बात के लिए नाराज हो रहे हैं तो फिर मेरे कदम रुक जाओ। तुम नहीं जानते शंकर तुमसे कितना प्यार करता है। जानता हूं, निशानी साथ लिए जा रहा हूं। जीते रहो बेटे। खुदा तला अच्छा रखे। वो देखा ये वैसे का वैसे। नहीं भैया देखो ना कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। अरे माँ तुम ऐसे हरे भरे इंसान को कमजोर कहती हो? मेरे ख्याल से तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई। देखो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नया चश्मा बनवा दूंगा। मैं टैक्सी लेके आता हूँ। चलिए आओ। ए भाई ये टैक्सी खाली है क्या? और नहीं क्या शौक है? अच्छा सेठ की चमचागिरी करके अभी तक गाड़ी भी नहीं खरीद सके, टैक्सियों में घूम रहे हो? खाली नहीं है। ओए छोटा लो टैक्सी इधर है। वो आ जाओ चलो भाई चलो चलो। तो भाई टैक्सी खाली है क्या? हाँ खाली है, बैठिए। आ जाओगे जोर बजा। प्राइमरी स्कूल। अरे ये सब खाली बाटली उठाकर बाहर फेंक दे, अपने को नहीं मांगता ये सब। अरे अरे सब आके भाई। हाँ अरे क्या कर रहे हो? जरा लवकर कर लवकर। और ये बोर्ड ठीक से लगाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्योंकि अड्डा की दूसरी जगह खोल रही है। मैं क्या कर रही हूँ ये तेरी समझ में नहीं आने का। अरे हाँ इधर लगाओ। जिंदगी में कभी कोई स्कूल देखा हो तो समझे। स्कूल बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन दारू के अड्डे में स्कूल पहली दफा देखा है। क्या पढ़ाएगी बच्चों को? दारू कैसे बनती है, कैसे बेची जाती है? देख शंकर, देर से सही लेकिन अपनी समझ में ये बात आ गई है कि दारू दारू है। जब ये पीने वाले की नहीं हुई तो पिलाने वाले की खाक होगी। देख तू भी मेरी बात मान जा, ये दारू वारू है ना छोड़ दे। माला मेरा भेजा मत खा, मैं टेंशन में हूँ। जल्दी से एक बाटली मौसमी ले गया। मौसमी? अरे मालूम नहीं मौसमी का मौसम गया। मौसमी का मौसम क्या? ऐसी क्या बात है दारू में जिसके लिए तू इतना मरा जा रहा है? एक बार तू प्यार से मेरी तरफ देख, तेरी कसम तेरी सारी टेंशन को पेंशन दे दूंगी। देख माला मैं तेरा लेक्चर सुनने नहीं आया, अपने गम का इलाज दारू है। बता दे कहाँ रखी है? अरे मार गोली दारू को। कहते हैं पीने वाले ये गम का जवाब है, गम से भी तेज है तो ये कितनी खराब है, गम से भी तेज है तो ये कितनी खराब है। बाटली को तोड़ दे शराब। बाबा लेट हो गई ना। नाराज हो गए क्या? तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा तो पहले मैं देरी से आने का कारण पूछती, इस तरह नाराज नहीं हो जाती। सुंदर, तेरी मेरी शादी किरण से करना चाहती है, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ साफ साफ कह दिया है। पिंकी, मैं तुम्हारे डैडी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो हर चीज एक ही तराजू में तोलते हैं, जिसका नाम है पैसा, और वो अपने पास नहीं है। क्या पैसे सब कुछ होता है सुंदर? इंसानियत कुछ भी नहीं? ये तुम समझती हो ना, उन्हें कौन समझाएगा? ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। बस परसों तुम पार्टी में आकर ऐसा रंग जमाओ कि डैडी के सर से किरण के नाम का नशा ही उतर जाए। अरे वो नशा तो उतर जाएगा, लेकिन जो नशा तुम अपनी आंखों में लेके आई हो, वो नशा जिंदगी भर नहीं उतरेगा। सुंदर किरण, अरे तुमने क्या हुआ? किरण को बातें नहीं कर रहे आप लोग, चुप क्यों हैं? चुप नहीं रहे तो क्या सारे शहर में ढंढोरा पिटवाए कि आपके 2 टक्के के नौकर ने आपके बेटे की बेइज्जती की है। कौन से नौकर ने? जीजा जी, इस सुंदर को आपने कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। क्या किया सुंदर ने? अजी क्या नहीं किया, इनकी जो इस घर में बहू बन के आने वाली उसी पे नजरें। छी 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 छी, अजी नौकर हम भी थे, लेकिन ऐसी नमक हरामी, देयर इज अ लिमिट। जीजा जी, इसमें सारा दोष सुंदर का नहीं दिखता। हो सकता है पिंकी भी उसे चाहती हो, वरना तरफदारी तो आप उसकी ऐसे कर रहे हैं जैसे किरण नहीं सुंदर आपका बेटा हो। तुम समझी नहीं। मुझे कुछ नहीं समझना। अगर आप चाहते हैं मैं और किरण इस घर में रहे तो सुंदर से कह दीजिए कि वो किरण के रास्ते से हट जाए। अच्छा, मैं देखता हूँ। खान बाबा तुम भी सच्ची? आप आइए आइए ना। थैंक यू। बैठिए। मैं भी आया। माँ, वो मेरे सेठी आए। सेठी? हाँ। चल चल चल, तुझे मिलाता हूँ। हाँ चल ना। माँ मैं क्या करूँगी जाके, बैठे तू जा। अच्छा माँ, जरा टप क्लास चाय बना दिया। जी साहब, माँ ने आपको नमस्ते बोला है। आओ बैठो बेटा, बैठो। जी मुझे तुमसे कुछ काम था। जी मुझे बुला लिया होता, मैं खुद चला आता। काम मुझे तुमसे है, वो भी पर्सनल। जी पर्सनल? हालांकि मुझे कोई हक तो नहीं इस बात का। ना ना सर, आपको पूरा हक है, कहिए ना। अब कैसे शुरू करूँ? मेरी तो, मैं बताता हूँ, गर्मा गर्म चाय पीकर। थैंक यू। बरसों बाद इतनी अच्छी चाय पी। मैं पिंकी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक मालिक की हैसियत से नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से। आप क्या कहना चाहते हैं? तुम जानते हो कि पिंकी के बाद किरण से हो रही है। जी। फिर भी तुम पिंकी से शादी करना चाहते हो? ये पिंकी भी यही चाहती है। सुंदर, बड़े घरानों की लाडली बेटियां बड़ी जिद्दी होती हैं। पिंकी अगर चाहती है तो ये शादी जरूर होगी। वो इस घर में आ भी जाएगी, हर हाल में रहेगी, लेकिन कब तक? बरस, 2 बरस, और फिर उसके बाद जब वो बस की क्यू में तुम्हारे साथ घंटों खड़ी रहेगी, तब उसे याद आएगा कि कभी उसके लिए गाड़ियों की लाइन लगती थी। जब वो अपने हाथों से चाय बनाएगी, तब उसे महसूस होगा कि उसके एक इशारे पर 10-10 नौकर लपकते थे। आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन बुरा मत मानिएगा साहब, ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? ये सब बातें आपको पिंकी को समझानी चाहिए कि मुझसे शादी करने में कितना नुकसान है उसका। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया था कि तुम समझदार हो। नहीं साहब नहीं, आप मेरे पास इसलिए नहीं आए कि मैं समझदार हूं, आप इसलिए आए हैं कि मैं आपका नौकर हूं। लेकिन साहब, मैं आपकी नौकरी हर रोज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक करता हूं, और 6 बजे के बाद अपने वक्त और मर्जी का मालिक मैं खुद हूं। Yes, that's right. लेकिन साहब, मैं आपसे वादा करता हूं, पिंकी से जिस दिन भी शादी करूंगा 6:01 के बाद ही करूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ठीक। अच्छा सुंदर, मैं जाता हूं, अपनी माँ से मेरा नमस्ते कह देना। सर, आप मुझे नौकरी से निकालना पसंद करेंगे या मैं अपना रेजिग्नेशन खुद पेश करूं? डोंट बी सिली, हमारी इन बातों का नौकरी से कुछ ताल्लुक नहीं। इस वक्त तुम्हारे घर तुम्हारे मालिक रणवीर सिंह तेजा नहीं, किरण का बाप आया था। थैंक यू सर, गुड लक। चलो ड्राइवर। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं माँ, वो चाहते हैं कि मैं उनके बेटे के लिए पिंकी से मिलना छोड़ दूं। ठीक ही तो कह रहे थे। क्या ठीक कह रहे? जो कुछ भी कह रहे थे ठीक कह रहे थे। न किसी का सुनता है, न समझता है, न किसी इज्जत, न लिहाज, बस बब्बर किए जाता है। ए माँ, खामखा तू मेरे पीछे पड़ रही है। तेरा मतलब मैं उस सेठ के लिए पिंकी से मिलना छोड़ दूं? हाँ हाँ, मैं यही चाहती हूँ। अरे छोड़ माँ, मैंने ऐसे सेठ बहुत देखे। चुप कर, तुझे शर्म नहीं आती? उन्होंने जो कुछ भी किया तुझे वही करना पड़ेगा। क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? ये मत भूल के तूने उनका नमक खाया है। नहीं, नमक का वास्ता मत दो बहन, खून का वास्ता दो बहन। ये हम समझ गया वो तुम्हारा मर्द है, हम अपना आंखी से देखा है। तुम उसका कदम का धूल अपना मांग में डाले, लेकिन दोस्तानी औरत या बात जिसका सिंदूर अपना मांग में डालता है, मरता दम तक वो सिंदूर उसका मांग में रहता है। खुदा के वास्ता साहब, क्यों नहीं बोलता कि वो तुम्हारा मर्द है, छोटा लाला का बाप है? क्या ये सच है माँ? बोल माँ कि ये सच है? पहला उसका खातिर तुम अपना जिंदगी तबाह किया। आप छोटा लाला का कुछ भी बर्बाद करते हैं। खुदा और रसूल का कसम है, हम ये नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। रुक जाओ खान भैया, तुम्हें अपनी बहन की कसम। तो यही है वो आदमी जिसने तुम्हें दुनिया की ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया था, जिसने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की कि तुम जिंदा हो या मर गई, जिसके जिंदा होते हुए भी तुमने एक विधवा की तरह जिंदगी गुजारी। माँ, यही है वो आदमी जिसने तुम्हारे जिंदा होते हुए भी दूसरी शादी की, और तुम चाहती हो कि मैं ऐसे इंसान को अपना बाप कहूं, ऐसे राक्षस के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। हमारे ताज के बारे में लफ्ज़ कहा, वो मेरे पति हैं, पति हैं। माँ, तेरे साथ इतने जुल्म हुए, फिर भी तेरे दिल में खान मामा, तुम नमाज पढ़ते हो ना? आज से यही दुआ मांगो कि ऊपर वाला हर आदमी को ऐसी पत्नी और हर बेटे को ऐसी ही माँ और हर भाई को ऐसा बेटा। इंतजार और भी और भी और भी। कभी हमारा भी इंतजार इतनी बेचैनी से किया होता। पहले इंतजार के काबिल तो बनी है। अच्छा, जरा हम भी तो सुने जो इंतजार के काबिल हैं। उनमें कौन से हीरे मोती लगे हैं जो हम में नहीं? बस यही फर्क है आप दोनों में। तो आपकी तरह हर चीज को हीरे मोती में नहीं तोलता। बड़ों के सामने सिगरेट पीना, शराब पी के बहकना, ये जो बड़ी बड़ी खूबियाँ आप में है ना, उनमें नहीं। अच्छा सोचिए, जो खूबियाँ आपके उन साहब में है, अगर वो हम में आ जाएं तो? आप कोई अगली जान की बात तो नहीं कर रहे? सुनिए, जैसा सुना वैसा ही पाए। Oh, boss! Bade Malik. Good evening. Oh, what is this? Light. Excuse me. Excuse me, Mr. Brown. सुंदर, अपनी ना सही, कम से कम दूसरों की इज्जत का तो ख्याल किया होता। क्या फर्क रह गया तुम्हें और किरण में? बिल्कुल ठीक है। शराब पीने के बाद कोई फर्क नहीं रह गया। अगर वो अपने आप को मार के बेटा समझता है, तो मैं भी अपने आप को मार के बेटा समझता हूँ। सही बोलता हूँ। लो पियो, मेरे हाथ से शराब पियो। शराब अंदर, गुस्सा बाहर, आउट। पियो। ऐसे पीने से तो मर जाना अच्छा है। नहीं जाने मान, पीने के लिए मरना नहीं, जीना जरूरी है। पियो। जीना जरूरी है, जीने के लिए पीना जरूरी है, पीने के लिए जीना। खैर, हम तो शराब पीते हैं, जो नहीं पीते खाक जीते हैं। जीना जरूरी है, जीना जरूरी है, जीने के लिए पीना जरूरी है, जीने के लिए जीना तोबा जीना जरूरी है, जीने के लिए पीना जरूरी है, पीने के लिए जीना जरूरी है। काम है अपने ही काम से, कभी पीली बोतल से, कभी पीली जाम से, कभी पीली बोतल से, कभी पीली जाम से। फर्क नहीं पड़ता कोई दिल को किसी नाम से, लेकिन एक हसीना जरूरी है, जीने के लिए पीना जरूरी है। जनाब का नाम है बड़ा बुरा, इस खाना खराब का नाम है बड़ा बुरा, इस खाना खराब का। अच्छा नहीं पीना है मौसम में शराब का, सावन का महीना जरूरी है, पीने के लिए जीना जरूरी है। टूटते हैं शख्से रिश्ते दिलों जान के, सच्चे प्यार को जो छोड़ दे झूठा प्यार मान के, सच्चे प्यार को जो छोड़ दे झूठा प्यार मान के। कहते हैं कि चेहरे शर्म का पसीना जरूरी है, जीने के लिए जीना पीना पीना जरूरी है, जीने के लिए जीना जीना तब जीना जरूरी है। काश ये थप्पड़ आपने मुझे पहले मारा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब नौबत आई गई है तो ये भी सुन लो, मैंने फैसला किया है कि मेरी शादी किरण से होगी। किरण साहब, माफ कर दीजिए कि सबसे पहले शादी की मुबारकबाद मैं आपको दूं। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन मैडम। सेठ जी, आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई तो बेटा समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं सब समझता हूँ सुंदर, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। माँ ने कहा था कि बच्चा आपने मुझे बुलाया सर। यस, ये नोटिस तुम्हें सर्व करना है। कहाँ करना है सर? उसी गंदी बस्ती के लोगों पर जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। सर, मैं उस बस्ती में रह चुका हूँ, मेरा ये नोटिस वहां ले जाना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। है? और जिसके तुम नौकर हो, जिनका तुम नमक खाते हो, क्या उन्हें तुम्हारा ये जवाब अच्छा लगेगा? मिस्टर सुंदर, दिस इज मिस्टर तेजाज ऑर्डर। ये नोटिस आज ही सर्व होगा और तुम्हें इसे सर्व करोगे। दैट्स ऑल। हेलो, हाँ चोपड़ा जी बोलिए। यस, आपका माल आज ही मिल जाएगा आपको शाम तक। यस, डोंट वरी, रिलैक्स। ओके, ये रहा उसका आइडेंटिटी कार्ड। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। जगू जगू, ये रहा सुंदर का आइडेंटिटी कार्ड और ये रही तुम्हारी मजदूरी। जानते हो ना काम क्या करना है? या ना? वेरी गुड। कार्ड गिर गया था, इसमें उसका नाम भी है और साथ साथ फोटो भी। वो रहा। चाचा, ये आग किस लगी? क्यों, तुम नहीं जानते? गरीबों के जले हुए घरों की राख इकट्ठी करने आए हो ताकि अपने सेठ के चांदी के बर्तनों को घिसकर और चमका सको। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या है? ये तो मेरा है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? साले, एक्टिंग करता है। भाभी मैं भाभी मैं मुझे नहीं पहचाना। मैं भाभी मैं शंकर तुम्हारा देवर। शंकर? हाँ भाभी मुझे नहीं पहचाना। मेरा बेटा। हाँ शंकर मेरा बेटा। बेचारा कहाँ चला गया था? बेचारा कहाँ चला गया था? भतीजे माफ कर दे मुझे। आज अपने गुस्से की आग से मैं अपने ही घर की चिराग को बुझाने चला था। माफ कर दे मुझे। जो पत्थर तुम दिल पर रखकर बैठी हो ना भाभी, उसी पत्थर से उन कमीनों के सर नहीं फोड़ दिए तो लानत है मुझ पर। नहीं नहीं मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। भगवान ने मेरे देवर को मुझे वापस लौटा दिया और एक दिन मेरा सुहाग भी मुझे वापस लौटा देगा। ये इश्क तो कमजोरी है हम हिंदुस्तानी औरतों में। अपना हर काम भगवान पर छोड़ देते हैं। जो काम ये दोनों मिलकर कर सकते हैं उसके लिए उसे क्यों तकलीफ देना। चाची ठीक कहती है। हम दोनों चाचा भतीजा मिलकर उन्हें वो सबक सिखाएंगे कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी सबक रखते रहेंगी। छोटा लाला हम लोग को बहुत सोच समझ कर के कदम उठाने। कौन है? राम राम साहेब हम हैं हसी राम। हसी राम? कौन हसी राम? आपके नए लोग साहेब हसी राम वसी राम दखाना रतौली जिला फैजाबाद। मैं तुम्हारा पता नहीं पूछ रहा। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? पर्दा हटाने आया था साहेब। देखा आप घटा टोपन अंधेरे में सो रहे हैं। समझा कोनो खबर ही नहीं कि दिन है कि रात। तुरंत सोचा कि पर्दा हटाई गई रोशनी आएगी तो आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। शट अप। जयराम जी की मैम साहेब। कौन है ये? हम हैं हसीराम डाखाना रतौली जिला फैजाबाद। टाइम क्या हुआ? टाइम ज्यादा नहीं है मैम साहेब। अरे मैम साहब वो क्या कहा था रेडियो वाले? हाँ लेफ्टन मंजे उत्तम चाहा उत्तम मंजे लेफ्टन चाहा। हाँ तुम्हें यहाँ किसने नौकर रखा है? हम का छोटे सरकार ने। तुमको किसने रखा? हम का वही बड़े सरकार ने। डैडी को भी नमूने जमा करने का शौक हो गया है। हाँ सरकार तभी तो इतने नमूने जमा कर रखे हैं इस घर में। उई, हमार मतलब बड़े सरकार ने हमारे चाचा को भी नौकर रखे हैं। ठीक है ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम खुशीराम वल हसीराम दा खाना रेजोली जिला फैजाबाद। अरे ठीक है ठीक है ठीक है। तुम जगह मेरा शेविंग किट लो। जाओ जाओ। अरे साहेब अब हम चाचा भतीजा आ ही गए तो हिजामत की फिक्र मत करो। भगवान ने चाहा तो हिजामत का बंदोबस्त हो ही जाए। हुजूर हिजामत हम करते ही या आप अपनी हिजामत अपने आप खुद करूंगा। अरे जैसे सरकार की मर्जी आप करें या हम। मतबिल तो आपकी हिजामत से है ना। हो ही जाएगी। भतीजा जी ये कौन? ये हम आपके नए सेवक हैं साहब। अरे ओ भतीजे तलक जल्दी आना। बोलो हम आई गए चाचा। ये क्या है? राता जी हलवा गाजर का है। हुजूर लो मुंह खोलो। खोलो। मुद्दतों के बाद इतना मजेदार हलवा खाया है। अरे बापू ये बना भी कोनो हाथ का है। मालकिन जरा तुम भी तो चखो। मजा आ गया। ये मजा कछु नहीं मालकिन। भोले शंकर ने चाहा तो मजा ऊंच खाई के पूछो नहीं। बिराजो सरकार बिराजो। थैंक यू। हसीराम खुशीराम जी मैम साहब आज रात घर में पार्टी है। कोई 100 आदमियों का खाना तैयार करना है। 100 आदमी? बस ठीक है बनाई देंगे। अरे मामा जी वो कवालों को क्या हुआ? अरे किरण बेटा मैं तो भूल गया था। वो यूसुफ आजाद और कालू कवाल तो दोनों शहर के बाहर गए हुए। ऐसा करते किसी दूसरे को बुला लेते। अरे कब्बाल की क्या जरूरत हुजूर हम हैं ना। तो क्या तुम दोनों गा भी लेते हो? हाँ। भतीजे चाचा ये नहीं जानत कि हम गा भी सकत हैं बजा भी सकत हैं। अच्छा लेकिन हुजूर हमार गान तनिक नमकीन तनिक छेड़छाड़ तनिक टिंगलबाजी का है। इसलिए हम ओ की खातर अभी से माफी मांग लेते हैं माई बाप। हमको माफी कर दो हुजूर। ठीक है लेकिन तुम दोनों जरा गाने का नमूना बताओ। नमूना? नमूना? क्यों चाचा? हाँ भतीजा। सच कह गए हैं लोग पुराने, चकई कचक तुम, चकई कचक तुम, चकई कदम तुम तुम। कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे क्यों भाई चाचा? ओ हाँ भतीजा। एक रिश्ता तोड़ा वो सौ रिश्ते भी तोड़ेगा। तूने किसी को छोड़ा है, तुझे भी कोई छोड़ेगा। अरे तूने किसी को छोड़ा है, तुझे भी कोई छोड़ेगा। जो अपनों को ठुकराए और गैरों से प्यार करे, अपने हाथों से अपनी वो कब्र तैयार करे, वो कब्र तैयार करे। इसीलिए तो कहा है कि उस बदनाम का बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। बचाएंगे जो भी जहाँ से आया है वहीं उसे पहुँचाएंगे। और जो भी जहाँ से आया है वहीं उसे पहुँचाएंगे। पर कितने रोज चलेगा धोखे से जो भी काम बना? पूछो तो इस दौलू से ये कैसे दौलत राम बना, कैसे दौलत राम बना। इसीलिए तो कहा है कि दौलत राम का बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। कोई माने या ना माने, सच कह गए हैं लोग पुराने। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। अरे क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। हे भगवान, ये क्या है? क्यों, क्या बात है? सरकार, हम कहे थे आप जैसे देवता समान आदमी के हाथ में ई लकीर कैसी? तो क्या तुम हाथ दिखाना जानते हो? क्या बताए सरकार, ये तो नसीब का खेल है कि हम रसोइये कम नौकर बन गए हैं। नहीं तो हमारे दादा परदादा रामगढ़ के राज जोशी रह चुके हैं, राज जोशी। लेकिन सरकार, हम पूछते हैं ए लकीर कैसी, कौन सी लकीर, कहते हैं तो बताई देते हैं। मालकिन आपकी सौतेली माँ है, हा? आपका उनका सौतेला बेटा है, हा? आप किसी अमीर लड़की से प्रेम करता है, हाँ। और वो सुसरी आपके नौकर से प्रेम करता है, हाँ। और आपने उस नौकर का पत्ता काट दिया है, हाँ। लेकिन तू कैसे जानते हो? ई लकीर में लिखा है छोटे सरकार, ई लकीर में लिखा है। और क्या लिखा है? नहीं, हम नहीं बताएंगे। हम इस घर का नमक खाए थे, नहीं बताएंगे। ई ना पूछो। अरे कमाल है, ई ना पूछो, वो ना पूछो, बताना क्या लिखा है। ठीक है, आप मालिक हैं, कहते हैं तो बताई देते हैं। ये सारी दौलत के वारिस आप है ना, हाँ। लेकिन इस दौलत पे किसी और की अखियां हैं। किसकी? कि कंस मामा और तुम्हारी माँ की। क्या बकते हो? हम नहीं लकीर बकत है सरकार। सावधान हुजूर, बड़े खतरे मंडला रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान से सुनो, आपका सफेद रंग से बड़ी दुश्मनी है, जैसे कि सफेद फूल, सफेद साड़ी, सफेद चादर, सफेद दूध। ठीक है ठीक है, अब तुम जाओ 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 जाओ। हे प्रभु, हमारे छोटे सरकार की रक्षा करना। लेकिन ये बात ध्यान से सुनो, सफेद रंग से सावधान। रुमाल। किरण, लो मैं तुम्हारे लिए दूध लाई। सफेद ले, आज तुझे मैं अपने हाथ से पिलाती हूँ। लेकिन ये तो सफेद है। अरे दूध तो सफेद ही होता है, ले पी ले। आप इसे यहाँ रख लीजिए, मैं पी लूंगा। किरण जी, देख जरूर पीना जी। शाबाश शाबाश, पियो पियो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किरण, मैं तुझे जहर दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ नहीं, सब मेरी माँ है। किरण, मैं तुझे कैसे समझाऊं? कोई जरूरत नहीं समझाने की, मैं सब समझ चुका हूँ। तुम और तुम्हारा भाई मुझे रास्ते से हटा देना चाहते हो ताकि इस घर की दौलत तुम दोनों को मिल जाए। बहुत हो गया। अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मन में आए बकते जाओ। बात है आपका भी जवाब नहीं। ये तो मेरी सौतेली माँ, इसने तो वही किया जो उसे करना चाहिए था। लेकिन आप तो मुझे बार बार सौतेली माँ क्यों कहता है? इधर आ बेटे, तेरी बात तो सुन। आप तो मेरे बाप और आप इस वक्त इस डाइन की तरफ तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो शक हो रहा है कि सचमुच आप मेरे बाप है कि नहीं। अभी इसी बात गेट आउट। इसे रोकिए, बचपने में उल्टी सीधी बातें करता है, आखिर बच्चा ही तो है। जाने दो इसे, मन नहीं रोका बात को। तुम तो जानती हो ये किस सलीम माँ का बेटा है। जानती हो ना, माँ की कमीनगी का कुछ असर तो बेटे पे आएगा ही आएगा ना। हाँ, आएगा। जलील माँ का जलील बेटा। आजा आजा, आ गया आ गया। भतीजे समझो बम फटा। चलो चलो चले चलो। भतीजे ये तो तुमसे भी भारी है। टॉमी टॉमी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? अरे जालिम, एक बार तो और दिख जा, मैं तुझे जी भर के प्यार तो कर लूं। मेरा पप्पू, मेरा पपी, मेरा पप्पा, मेरा टॉमी। अरे मेरी नींद उड़ गई है, अरे दिन का मेरा चैन चला गया है। टॉमी 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 टॉमी। Tommy! कामी। अरे कामी तू जिंदा है ना? अरे मेरा दिल कहता था तू जरूर आएगा, जरूर आएगा। जीजा जी, जीजा जी, भाई तू खान घुस रहा फंसेगा मोटे। आइए जीजा जी, ये रहा मेरा नाश्ता गाता भोंकता हुआ टॉमी। आइए देखिए, देखिए टॉमी जी, आज तुमसे मिलने के लिए आए हैं। टॉमी ये क्या हुआ? अभी यही कहा मैंने इसे प्यार किया था। तुमसे कई बार कहा लक्ष्मीदास कि जानवरों से, किसी चीजों से इतना प्यार मत करो कि अगर वो खो जाए तो तकलीफ हो। टॉमी मुझे छोड़कर कहाँ चला? सोनिया डॉक्टर को नहीं जीजा जी, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा टॉमी चाहिए। टॉमी मेरा डॉक्टर है, टॉमी मेरा सब कुछ है। टॉमी आ जाएगा, घबराओ नहीं। सो जा, ये आंखें बंद करो। डीजे लग गया तीर ठिकाने पे। देखा वो आपकी है? आओ बाहर ले। यहाँ तो कोई नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, यही थी वो, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है डार्लिंग? आओ नहीं, अंदर आओ। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखी? भूत तो देख लिए, यमदूत देखने बाकी है। मालकिन जुस्बो, भतीजे कह दियो मालकिन से। नहीं चाचा तुम ही कह दो। अरे हमारा कलेजा धक धक करे था भैया, तुम ही कह दियो। नहीं चाचा नहीं, तुम ही कह दो। क्या बात है? क्या इस तरह एक दूसरे की तरफ देख रहे हो? क्या काम सूख गया है? सांप नहीं मालकिन, भूत सूख गया। एक औरत का भूत। औरत का? सफेद कपड़ों में, सफेद कपड़े, खुले बालों में, हवा में चलती हुई, गाती हुई, आएगा आने वाला, जाएगा जाने वाला। कहित रही बदला बदला मालकिन, लगता है कोई कहीं से बदला लेने आवत नहीं। वो जरूर मुझे ही ढूंढ रही होगी। क्या कहा तुम्हारे? तुम मालकिन कहीं काम से? अरे क्या कहा था भतीजे, भूली गए उन सागर वाली माई को। 100 भूत उतार चुकी है, हम अभी चाहता हुई की जहाँ लात है। यहाँ लाने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं मालकिन, तुमको आओ के पास ले चलते हैं। राजा राजा नहीं आएगा तो मार खाएगा। क्यों खुशीराम बोल हसीराम। सत्वचन है माँ सत्वचन है माँ पूरे होने दो दस दस। सीधी तरह से मान जाएगी तो मैं बचा दूंगी तेरा सिंह बाहर जा भूत रह जा बाहर रह जा आजा ओ आजा बाहर रह जा भूत रह जा बाहर आजा आजा ओ आजा बाहर आजा। तुझको पसंद हो तो सर पे मारू डंडा। गर्मी का है मौसम तुझको करूँ ठंडा। आजा राजा नहीं आएगा तो मार खाएगा। आजा राजा नहीं आएगा तो मार खाएगा। बोल हसी राम क्यों बे खुश राम। सत्वचन है माँ सत्वचन है माँ रोती क्यों है हाथ सीधी तरह से मान जाएगी तो मैं बचा दूंगी तेरा पैन पाता। भूत रह जा बाहर रह जा आजा ओ आजा बाहर आजा भूत रह जा बाहर आजा आजा ओ आजा बाहर आजा। यही है ना वो भूत। हाँ यही है यही है। कैसा जकड़ा शिकंजे में ये अब है मेरे पंजे में। कैसा जकड़ा शिकंजे में ये अब है मेरे पंजे में। बोल तू इसे क्यों सताता है। मैंने नहीं इसने मुझे बेघर बनाया है। बेघर बनाया है। बोल और क्या क्या जुल्म किए हैं इन पर। ज्यादा नहीं सीता देवी पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें मरने पर मजबूर किया था। और ज्यादा नहीं तेजा के छोटे भाई शंकर को जान से मारने की कोशिश की थी। और ज्यादा नहीं अपने बेटे को तेजा का बेटा बनाकर उसकी दौलत का वारिस बनाया था। बस 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 नहीं अभी तो पूरे गिनने हैं 10। तो चल तू इसकी माफी मांग। झूम नाच भाग। जल्दी से सुना तूने क्या टेप किया। चल जल्दी सुना। आज भैया को सोनिया की गाली करतूतों का पता चलेगा। उन्हें तो कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा लेकिन आज तुम्हारी गाली मुझे जरूर सुनने को मिलेगा। क्यों पता नहीं टेप में से तार कैसे निकल गई। मरवा दिया मैं क्या करूं। चढ़ गई थी सारा काम खराब कर दिया। अब भैया को सोनिया की हरकतों का कैसे पता चलेगा। आप पैक कर दो। अभी कितना काम करती हो। नहीं शंकर मेरे उजड़े हुए संसार को बचाने के लिए अगर सारी उम्र भी इतने लोगों को खाना बना के खिलाना पड़े तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। मेरी भाभी जैसा महान सारी दुनिया में नहीं। ए भैया जल्दी करो ना तोलो जल्दी से। हेलो लक्ष्मीचंद मैं टोनी बोल रहा हूँ। तेजा की पहली बीवी सीता जिंदा। क्या और वो तुम्हारे यहाँ जो चाचा भतीजा काम कर रहे हैं, एक तेजा का छोटा भाई शंकर है और दूसरा क्या? नहीं नहीं, इस वक्त वो बाजार में भाजी सब्जी खरीद रहे हैं। सुनो, मैं किसी न किसी तरह किरण को कांटेक्ट करता हूँ और बजारे लाओ। जैसा मैं कहूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना, समझ गए? हो रहा है। अरे सुंदर, सारी दुकान खरीदनी है, घर नहीं चलना क्या? अरे चाचा, कुछ ही दिनों की तो बात है, खाने दो बिल बुलाए मेहमानों को। सरकारी मेहमान बनने के बाद ही तो खाएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, इतने लोगों के लिए खाना बनाने में वक्त लगता है ना। हाँ तुम चलो, हम लोग आते हैं। ए भैया, कोई नारंगी सारंगी है क्या? क्यों भैया, कोई भट्टी भट्टी खोलनी है क्या? भट्टी भट्टी नहीं भैया, वो मालकिन लोग कुछ जुलाब का दवाई बनाएंगे। शंकर, सुंदर, भैया देखो, इस ड्रामेबाजी की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, और वो सब कुछ भी जानता हूँ जो तुम दोनों नहीं जानते। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? अरे भैया, ये सब कुछ जानने के लिए तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या कीमत? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। लेकिन पूछिए पर हमारे पास तो 50 फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे आज ना सही बरखुदार, मगर जब कल ये साबित हो जाएगा कि तुम तेजा साहब के असली बेटे हो तब दे देना, मुझे तुम पर भरोसा है। कमाल है, तुम लोग सीता देवी को बेगुनाह साबित करने के लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। अरे माँ के लिए, भाभी के लिए, शेम फाई। सुनिए, हमें मंजूर है। That's like a good buy. अब तुम दोनों को मुझे लिख कर देना पड़ेगा। ठीक है, हम लिख कर देंगे। ये हुई ना बात। अब हम तेजा साहब के सामने चलकर सीता देवी पर लगे हुए सारे इल्जाम मिटा देंगे। आपकी खुशी के लिए सीता ने टोनी और सोनिया के बच्चे को अपना लिया और उसी बात का सहारा लेकर टोनी सीता को ब्लैकमेल करता रहा। आप जिसे अपना बेटा समझते रहे हैं, वो आपका नहीं, मेरा और सोनिया का। क्या बकते हो तुम? जानते हो तुम लोग क्या बोल रहे हो? आपका बेटा आपके सामने है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? आपके घर से निकलने के बाद सीता भाभी ने आपके बेटे सुंदर को जन्म दिया। सबूत के लिए आप जनरल हॉस्पिटल की फाइल देख सकते हैं। तेजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी आज तक इस साजिश में शामिल रहा। दरअसल सोनिया और आपके मैनेजर ने आपकी सारी दौलत हड़प करने के लिए साजिश की थी। गुड गुड, वेरी गुड। कहानी बहुत दिलचस्प थी, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये ड्रामा खत्म हो चुका है। शायद तुम्हें इस बात का अफसोस है लक्ष्मीदास कि इस ड्रामे के साथ साथ तुम भी खत्म हो चुके हो। अरे नहीं नहीं बरखुरदार, तुम तो बेकार में लाल पीले हो रहे हो। कुछ भी कहने या करने से पहले बेहतर होगा कि तुम इस खत को अच्छी तरह पढ़ लो। बेवकूफ, सीता इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर तुम दोनों में से किसी ने जुबान खोली तो सीता की मौत के तुम लोग जिम्मेदार होगे। आप बतलाओ, इस ड्रामे के साथ साथ कौन खत्म हो गया, मैं या तुम? क्या लिखा है कागज पे? क्या लिखा है कागज में? जीजा जी, ये आदमी पहले भी आपकी जिंदगी में जहर घोल चुका है और आज इन दोनों मकारों को कहने पर झूठ झूठ और झूठ का परंदा लेकर आ गया आपके सामने। और इस काम की कीमत है 50,000 रुपया। ये देखिए, ये है टोनी को 50,000 रुपये देने का वादा और इसके नीचे साइन है शंकर और सुंदर के। क्या ये सच है? बोलो। तेजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये दोनों मुझे 50,000 रुपए का लालच देकर लाए थे कि जैसा ये कहे वैसा मैं आपसे कह दूं। तेजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी देवी जैसी पत्नी सोनिया जी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। प्लीज कह दीजिए आपने मुझे माफ कर दिया। तेजा साहब, मैं बेगुनाह हूँ। तेजा साहब, फॉर गॉड से मुझे माफ कर दीजिए, इन दोनों ने अपने लालच की खातिर मुझसे ये सब कुछ करवाया। तेजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज तेजा साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। जीजा जी, ये तो अच्छा हुआ मैं जल्दी असलियत का पता चल गया, नहीं तो आपका ये नौकर आपका नकली बेटा बनकर आपकी सारी जायदाद का मालिक बन जाता। और ये दूसरा बरसों से आपसे बदला लेने की तड़प रहा है, आपने पहचाना इसे? ये आपका छोटा भाई शंकर। शंकर, तू शंकर है, तू शंकर है, शंकर, 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 शंकर। अच्छा हुआ तू घर वापस आ गया, मैं बरसों तुझे ढूंढता रहा। तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए। लेकिन ये क्या है? ये 50,000 रुपए? बेटा ये सब कुछ तो तेरा है और तू चाहता तो मुझसे पैसे मांग लेता। सच कहूं भाई, तेरी इस हरकत पे मुझे बहुत शर्म आ रही है। आपको तो आज शर्म आ रही है भाई साहब, लेकिन मैं तो अपने भाई पर उस दिन से शर्मिंदा हूँ जिस दिन उसने अपनी सीता जैसी पत्नी को घर से निकाला था। तू अभी तक उसी गलतफहमी में है कि तेरी भाभी देवी थी। वो देवी नहीं थी शंकर, वो एक बेवफा बदचलन। खबरदार जो ऐसे शब्द मेरी भाभी के लिए मुंह से निकाले। अपनी देवी जैसी पत्नी को घर से निकालकर एक बाजारी औरत को घर में लाकर आपने जीजा जी, इसने मेरी भोली भाली बहन पर कीचड़ उछाला है। आप बीच में कुछ ना बोलिएगा प्लीज, मैं इसकी खाल खिंचवा लूंगा। जान लंबो। नहीं भतीजे, आज नहीं। हाँ 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 हाँ, रास्ता भूल गए क्या? भैया तुझे में डाल दो। संभाल के भाई, ठहरो, बस करो, बहुत हो गया लक्ष्मीदास। अच्छा जाने दो इन्हें। हंसी राम और खुशी राम को हंसी खुशी के साथ पुलिस के हवाले कर दो। माफ कीजिएगा वकील साहब, आज मैं कुछ अपसेट हूँ। वसीयतनामे पे कुछ दिनों के बाद बैठे, कोई हर्ज तो नहीं? कोई बात नहीं तेजा साहब, मैं फिर आ जाऊंगा। अच्छी बात है, मैं आपको 1-2 रोज में फोन करता हूँ। ओके। बेवकूफ, सीता इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर तुम दोनों में से किसी ने जुबान खोली तो सीता की मौत के तुम लोग जिम्मेदार होगे। सीता जिंदा है। ये कैसे आना हुआ? तेजा साहब ने बुलाया था अपने लड़के के नाम वसीयत करने के लिए। गड़ा गड़ा, अरे गड़ा। ओके जी, ओके। जीजा जी, मैंने सुना आपने अपनी वसीयत अपने बेटे के नाम कर दी। हाँ, मैंने अपनी वसीयत अपने बेटे सुंदर के नाम कर दी है। सुंदर के नाम? हाँ, और ये भी मैंने पढ़ लिया है। ये आपके पास कैसे आया? क्या ये जानना जरूरी है? तेजा साहब, अगर आप पुलिस को फोन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि इस गलती का वही अंजाम हो सकता है जो शंकर और सुंदर का आपके सामने अपनी जुबान खोलने पर होता, यानी आपकी पत्नी सीता देवी की मौत। कमीने जलील, अगर सीता पे कोई आंच आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी जान तो बाद में जाएगी, लेकिन मेरे एक इशारे पर सीता देवी की जान जरूर जा सकती है। तुम चाहते क्या हो? भैया चाहते हैं कि आप अपनी जायदाद मेरे बेटे किरण, मेरे हस्बैंड नंबर 1 यानी टोनी, इनके और मेरे नाम कर दें। शंकर ने ठीक कहा था कि तुम एक बाजारी औरत से भी। जीजा जी, आप इस तरफ जितनी देर वसीयत हमारे नाम करने पे लगा रहे हैं, उस तरफ उतनी ही मौत सीता देवी के नजदीक पहुंचती चली जा रही है। आप अपने वकील को बुलवाइए और वसीयत बदल दीजिए प्लीज। हट जा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि सीता जहां भी है ठीक है? चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। एक्सक्यूज मी जाजी, सोनिया तुम ये खत लेकर पुलिस स्टेशन में चले जाओ। पुलिस स्टेशन? हाँ, और एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद पुलिस। एक्सक्यूज मी जाजी, आइए आइए। शंकर, ले दो दम लगा ले, नहीं तो ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला। समझा भतीजे, पुलिस नकली है। खानों में क्या हुआ? छोटेला ना वो गुंडे लोग आया था, हमारा बेद को उठा कर ले गया। खुदा के कसम बहुत कोशिश किया, पकड़ी हम पाँव से लाचार था, हम नहीं बचा सके। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, कमीने! अरे खान भैया, बचाओ! खान भैया, छोड़ दो मुझे! जल्दी करो इडियट! वो देखो वो गाड़ी क्या है ना, उसका पीछे हमें रंग का डब्बा लगा हुआ है, वो निशान दिखा, उसका निशान, वो निशान का पीछे जाओ, वो बदमाश लोग जरूर मिलेगा। या खुदा हमारा बहन को बचाओ, उसका ऊपर अपना रैम करो। कोई कार है, क्या करें? चाचा, घोड़े पहली पत्नी सीता देवी से। सीता, मुझे शर्मिंदा न करो सीता। जीजा जी, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब आप इन कागजात पर दस्तखत करते हैं और अपनी सारी जायदाद हम गरीबों में बांट दें तो बेहतर होगा। भाई साहब, मैं लड़ाई झगड़े और खून खराबे से बहुत डरता हूं। इससे पहले कि नौबत वहां तक पहुंचे, प्लीज साहब। आप क्या देख रहे हैं इधर उधर? इस वक्त दुनिया में कौन है आपका जो आपको बचाने के लिए आ जाएगा? कौन है? अरे छुप जा सब, छुप जाओ, मैं कहता हूँ फैल जाओ, निकल जाओ इधर। कैसे पहुंच गए? तो यहाँ तो कोई नहीं है, क्या करें? सुंदर, एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ, इसके बाद यही मिलना। दोबारा आवाज निकाली तो तेजा को गोली मार देंगे। हम लोग इस तरह जाकर देखते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग उधर देखो, हम अपना बहन को इधर देखते हैं। खुदाया तू रहीम है, तू करीम है, अपना रसूल का सदका में छोटा लाला को उसका माँ से मिला दे। या परवरदिगार, मेरा आसरा है मालिक, गुलखान को उसका बेन मिला दे, ये गरीब को दुआ सुन ले मालिक। या अल्लाह, ओए देखो, तुम दोनों ऊपर नहीं देखना, वो लोग भाभी को लेकर ऊपर गया है। देखो उसका मंगलसूत्र हमारे हाथ में आया है, चुपचाप खड़ा रहो, हिलना नहीं। या अल्लाह, वो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, दूसरा ठिकाना में देखेगा, चलो बैठो। उनका कुछ पता चला? हाँ कुछ पता नहीं चला है, वो हमारा ख्याल है दूसरा जगह पर होगा, उधर चलो, वो जल्दी चलो भाई जल्दी। मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले सीता को ऊपर लो। ये लीजिए पेन, लीजिए और साइन कर दीजिए यहाँ। ये क्या तुम बक बक बात कर रहे हो? अरे किसी के पास पेन है क्या? ज्यादा अनपढ़ कहीं के। अरे जाओ तुम, जाओ जाके लीजिए पेन, लाओ जाओ जल्दी, जाओ जल्दी जाओ, मैं कहता हूँ। लीजिए साहब। पड़ते ही तेजा साहब की आंखों में खून उतर आया। कहने लगे मैं उस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना हो गुस्से में तेजा साहब उसे मार डाले और उसके बदले में वो कम बहुत चंका और सुंदर मेरे पति को। तेजा हवलदार चलो। ठीक है जल्दी बैठो जल्दी बैठो। तूने सीता का रूप देखा है, अब गीता का रंग देख ले। ये ले। या। यही है आपके पति? नहीं, हाँ, नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्हें तो मैं जानती नहीं ये कौन है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, सोनिया देवी की याददाश्त कुछ कमजोर है। दरअसल मिस्टर टॉनी इनके हस्बैंड नंबर 1 है, स्वर्गीय। इंस्पेक्टर, मैं रणबीर सिंह तेजा हूँ। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, बाकी स्टेटमेंट मैं पुलिस स्टेशन में दूंगा। बुजुर्गों ने क्या कहा है सुंदर? पूरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। पूरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा।